मातृभाषा के लिए मैं केवल चार पंक्तियों में उसका परिचय देना चाहूंगा। इस प्रखर राष्ट्र की संस्कृति का जिसने जग में गुणगान किया, इस वसुंधरा के गौरव का जिसने जिसकी गरिमा ने मान दिया, मैं दर दर भटका खोज रहा जिस मातृभूमि की भाषा को, वह हिंदी केवल शब्द नहीं इस भारत का संबोधन है। हम सभी उसी मातृभाषा में आज का यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और इसके पश्चात जो दूसरी संस्था है अखिल विश्व गायत्री परिवार, जिसकी मुंबई इकाई के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। गायत्री परिवार का एक संक्षिप्त परिचय, वैसे तो 80 वर्षों की एक बहुत लंबी गाथा है, इसको शब्दों में संजोना मेरे लिए संभव नहीं है, किंतु फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। स्वतंत्रता का संग्राम जिस समय चल रहा था, अंग्रेजों की गुलामी से जब देश जूझ रहा था, उस समय कुछ स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों से इस देश को गुलाम करने के लिए कटिबद्ध थे, किंतु उसी समय कुछ ऋषि मनीषियों ने इस बात का चिंतन किया कि अंग्रेजों की केवल गुलामी से हम आसक्त नहीं हैं, अपितु उनके द्वारा लाई गई, थोपी गई जो संस्कृति है, उनके द्वारा थोपी गई पाश्चात्य संस्कृति से भी हमें गुलाम होना पड़ेगा और उस संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए कई समय तक हमें कार्य करना पड़ेगा। ऐसे कई ऋषि मनीषी महापुरुष विद्वान ऐसे व्यक्तियों ने तप किया, उनके तप की ऊर्जा को संजो करके युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य ने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की। उस स्थापना के साथ में जो वैचारिक प्रदूषण इस भारतीय संस्कृति पर हावी हो गया था उस गुलामी के माध्यम से, उस वैचारिक प्रदूषण से मुक्त करने के लिए विचार क्रांति अभियान की नींव रखी गई, युग निर्माण योजना की स्थापना की गई। उसके पश्चात गायत्री परिवार के द्वारा कई प्रकार के आयोजन, कई प्रकार के प्रकल्प हाथ में लिए गए। विज्ञान और आध्यात्म का समन्वय एक बहुत बड़ी आवश्यकता इस समय की जो है, नई पीढ़ी विज्ञान को आगे मानती है और अध्यात्म हमारी भारतीय संस्कृति का की जड़ है, हम ये मान सकते हैं। विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय को लेकर के अखिल विश्व गायत्री परिवार के माध्यम से संदेश दिया गया। परम पूज्य गुरुदेव ने जो इसके संस्थापक हैं, उनके द्वारा 3000 से अधिक पुस्तकें लिखी गई, जिसमें प्रत्येक विषय को, जीवन के प्रत्येक विषय को सम्मिलित किया गया। लगभग 9 करोड़ साधक आज गायत्री परिवार के माध्यम से सेवा के, उपासना के, साधना के कार्यों में रत हैं। लगभग 80 से अधिक देशों में यह विश्वव्यापी आंदोलन चल रहा है। 3000 से अधिक शक्तिपीठों को परम पूज्य गुरुदेव ने जन जागरण के केंद्र कहा है। लगभग 3000 से अधिक की संख्या में शक्तिपीठ पूरे देश और विदेशों में संचालित हैं। 1940 से एक लगातार प्रकाशित मासिक पत्र है अखंड ज्योति, जिसके माध्यम से संदेश जन जन तक प्रसारित हो रहा है। जीवन जीने की कला जिसके माध्यम से सिखाई जा रही है। भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान का जो मार्ग है वह उस पत्रिका के माध्यम से बताया जा रहा है। ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान, जिसमें यज्ञ विज्ञान ऐसे विषयों पर खोज की जा रही है। और इसके अतिरिक्त आज के इस समय में जो सबसे बड़ी आवश्यकता थी, नालंदा और तक्षशिला को हम भूल गए, उस नालंदा और तक्षशिला की तर्ज पर भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान की नींव रखी जाती थी, उसी नालंदा और तक्षशिला की तर्ज पर हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्रद्धेय डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, वे इस संबंध में और अधिक जानकारी आप सभी तक प्रेषित करेंगे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से योग दर्शन और न जाने कितने प्रकार की भारतीय संस्कृति से संबंधित शिक्षाएं वहां से दी जा रही है। जीवन जीने की कला, व्यक्तित्व विकास के समग्र आयाम, इस प्रकार की समस्त शिक्षाएं गायत्री परिवार के माध्यम से दी जा रही हैं। इस समय मुख्य रूप से 7 आंदोलनों को लेकर के मिशन चल रहा है। साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर बच्चा शिक्षित हो, हर बच्चा स्वस्थ हो, इस प्रकार की रीति को लेकर के मिशन चल रहा है। और एक महत्वपूर्ण आंदोलन जिसके अंतर्गत हम सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, महिला जागरण अभियान। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है 21वीं सदी नारी सदी होगी, और यदि हमारे देश की आधी जनसंख्या, आधी शक्ति जिसे कहा गया है नारी शक्ति, वह जाग गई तो निश्चित रूप से नवयुग आ जाएगा। गायत्री परिवार के माध्यम से इसी प्रकार के कई और प्रकल्प चल रहे हैं। ये एक छोटा सा मैं संक्षिप्त परिचय आप सभी को करा पाया गायत्री परिवार का। आज इस मंच के माध्यम से ऐसे उद्बोधन न केवल सुनने जा रहे हैं बल्कि अंगीकार करने जा रहे हैं, जिनसे हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। हम स्वयं को, अपने आसपास के वातावरण को श्रेष्ठ कर पाएं और जिस 21वीं सदी उज्जवल भविष्य की नींव के आधार पर इस कार्यक्रम की संयोजना की गई, उस 21वीं सदी उज्जवल भविष्य की ओर हम बढ़ पाएं। सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम के जो कीनोट स्पीकर के रूप में हमारे बीच में विराजमान हैं श्रद्धेय
डॉक्टर प्रणव पंड्या साहब, वैसे तो परिचय एक बार पुनः मैं कहूँगा, जिस प्रकार से मैंने कहा 80 वर्ष की लंबी गाथा गायत्री परिवार की शब्दों में नहीं गाई जा सकती, उसी प्रकार से एक तपस्वी के, एक मनस्वी के, एक चिंतक के, एक विद्वान के परिचय को शब्दों में बांधना किसी भी डिक्शनरी के लिए, किसी भी शब्दकोश के लिए संभव नहीं है। मेरे लिए भी संभव नहीं है कि हमारे बीच में विराजमान श्रद्धेय श्री डॉक्टर साहब का मैं परिचय दे पाऊँ। क्या परिचय दें उनका, किस रूप में परिचय दूं मैं उनका? मैं कुछ शब्द केवल संचित कर पाया हूं अपने पास में, किस स्वरूप में परिचय दूं? एक शिक्षाविद के रूप में, जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, अथवा एक वैज्ञानिक के रूप में, जो ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान जैसे शोध संस्थान के, जो विद्यात्म और विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय के लिए कार्य कर रहा है, उसके निदेशक हैं, अथवा एक लेखक के रूप में, जो 1940 से संचालित हो रही एक मासिक पत्रिका के संपादक हैं, प्रधान संपादक हैं, कई अन्य पुस्तकें जिन्होंने लिखी हैं, अथवा एक श्रेष्ठ चिकित्सक के रूप में, जिन्होंने न केवल आधुनिक चिकित्सा को अपितु आयुर्वेद को भी जन जन तक प्रसारित करने का बीड़ा उठाया, अथवा एक शोधकर्ता के रूप में दूं, जो अपने मार्गदर्शन से कई विद्यार्थी जिनके मार्गदर्शन में PhD कर रहे हैं, कई सारे शोध के कार्य जिनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं, अथवा एक योग मनीषी के रूप में परिचय कराऊं, जो विवेकानंद योग महापीठम बेंगलोर के निदेशक हैं, अथवा एक प्रबंधक के रूप में, आज के समय में श्रद्धेय डॉक्टर साहब को कई लोग प्रबंधक के रूप में अधिक मानते हैं, इतने सब संस्थानों के अध्यक्ष अथवा निदेशक होने के अलावा 9 करोड़ से अधिक साधकों के गायत्री परिवार को, इतने बड़े गायत्री परिवार को एक सूत्र में जिसने बांधा हुआ है, जिस हारमोनी के माध्यम से बांधा हुआ है, उस शक्ति को लोग प्रबंधक के रूप में, एक श्रेष्ठ प्रबंधक के रूप में भी जानते हैं। मेरे ख्याल से इन सब रूप में भी मैं परिचय नहीं करा पाऊंगा। किस रूप में परिचय कराएं हम उस चिंतक, उस तपस्वी, उस मनीषी का? मैं केवल इतना ही कह पाऊंगा कि इस युवा पीढ़ी को, इस नई पीढ़ी को जिसने दिशाधारा दी, जिसने आज के युग के स्वामी विवेकानंद बनकर के दिशाधारा दी, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को एक शिखर पर पहुंचाने के लिए दिशाधारा दी, मुनव्वर राणा की 4 पंक्तियां मुझे याद आती है, नए कमरों में पुरानी चीजों को कौन रखता है, नए कमरों में पुरानी चीजों को कौन रखता है, परिंडों के लिए कुंडों में पानी कौन भरता है, वो तो हम ही हैं जो संभाले हैं गिरती दीवारों को, वरना बुजुर्गों की निशानी को संभाले कौन रखता है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे गुरु सत्ता के सूक्ष्म सानिध्य में आज मंच पर विराजमान हम सबकी एक आदर्श, अगर मुझे कहा जाए कि नारियों में एक रोल मॉडल ढूंढने की कोई कोशिश करे तो किसको ढूंढे, तो मैं कहता हूँ आज की हमारी किरण बेदी, जो आज हमारे बीच में प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, विशेष अनुरोध पर और हमारी अनुरोध को मानकर, गायत्री परिवार के अनुरोध को मानकर आज आप आई हैं। बहुत फास्ट ट्रिप है आपका, हेक्टिक ट्रिप है। हमारे बीच में बैठी हुई जस्टिस KK उषा, शी एंड हर हस्बैंड बोथ आर हाईकोर्ट जजेस, बोथ वेयर हाईकोर्ट जजेस, and Justice Usha was the first High Court judge of Kerala. I congratulate her to be here as a lawyer. Today only I read in the newspaper that 38% reservation has been done for the law students, for the girls, 38% for the girls. We don't know when government will be ready to give 33% reservation to the women in the Member of Parliament, as a member of parliament or as the Rajya Sabha, but still the procedure is going on. Mantu aaj se kitne saal pehle, around 40 years pehle, 30 years pehle high court judge bani aur uske baad she retired from Kerala High Court. I welcome her on the stage. Still we are missing one slot, aur wo slot hai ki Supreme Court mein aaj bhi ek mahila judge nahi hai. Aap kalpana kijiye ki Supreme Court mein mahila judge kitni zaruri hai. Judges are there in the High Court. Still, today we don't have, right now we don't have any High Court judge.
हाई कोर्ट जजेस आर देयर बट सुप्रीम कोर्ट जजेस नॉट देयर. मेनी इयर्स अगो वी हैड ओनली वन, सो करेंटली नन. सो देयर शुड बी नॉट ओनली वन, देयर शुड बी सम एंड दिस शुड कम आउट फ्रॉम आवर मीटिंग, हमारे मीटिंग से निकल के आना चाहिए. आज हिंदी एसोसिएशन के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के माध्यम से हम लोग सभा में इकट्ठे हुए हैं. यहाँ बैठे सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, आज के हमारे आमंत्रित अतिथियों में जो ऊपर आई थी ब्रह्मा कुमारी संतोष, उपमहापौर विद्या ठाकुर जी, और हमारे बीच में बैठे हुए तुलसी मुखर्जी जी, श्री मांकड़ जी, बीआरसी परिवार के सब सदस्य जो बैठे हैं, गायत्री परिवार के सभी सदस्य जो बैठे हैं, प्रेस के हमारे मीडिया के सब सदस्य, और जो भी इस विषय के बारे में बहुत रुचि रखते हैं सुनने के लिए आए हुए सभी हमारे भाइयों बहनों. नारी सशक्तिकरण की बात सब लोग करते हैं, सब लोग बहुत कहते हैं फीमेल फिटिसाइड हो रहा है और दुनिया भर की समस्याएं खड़ी हो रही हैं, हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए, करना चाहिए फीमेल फिटिसाइड. बट कैन यू इमेजिन चंडीगढ़, चंडीगढ़ इज़ द मोस्ट मॉडर्न सिटी टुडे, पर चंडीगढ़ में 1000 के पीछे 720 लड़कियाँ हैं, बाकी 300 आप ये मान लीजिए अराउंड 300 दे आर किल्ड. नाउ व्हेन चंडीगढ़ बिहेव्स लाइक दैट देन आई कैन नॉट इमेजिन ऑफ एनी अदर प्लेस. जब चंडीगढ़ का व्यवहार ये है तो पूरे देश का व्यवहार क्या होगा मुझे मालूम नहीं. राजस्थान में इट इज़ बेटर अराउंड 795-800, बट चंडीगढ़, पंजाब में ये स्थिति है, और पंजाब में भी नहीं, चंडीगढ़ प्रॉपर की बात बता रहा हूँ मैं आपको. तो लुकिंग टू दैट वी आर पासिंग थ्रू ए क्राइसिस. नारी को माता कहा गया है, विधाता कहा गया है, नारी को सृष्टा कहा गया है, नारी सृजन की देवी है, नारी अधिष्ठात्री देवी है, शक्ति की शक्ति का स्वरूप है. हम सब कहते हैं नारी का नाम पहले लेते हैं फिर माँ का नाम लेते हैं, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव. हमारी संस्कृति में माँ की पूजा पहले की जाती है, पर क्या कारण है कि आज उसी माँ को भोग्या मान लिया गया, उसी माँ को तिरस्कृत कर दिया गया, उसी माँ को उपेक्षित कर दिया गया. थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस करने के लिए विल सी ए लिटिल बिट ऑन द स्लाइड्स एंड आई रिक्वेस्ट यू टू टर्न योर अटेंशन टुवर्ड्स दैट साइड. सृजन की शक्तियाँ ब्रह्मा, प्रकृति एंड नारी. देर आर ओनली थ्री पावर्स इन दिस वर्ल्ड. ब्रह्मा कैन गिव बर्थ टू द होल कॉस्मोस, प्रकृति ने दिया हमें सब कुछ, और नारी ने दिया. तो ये सबसे बड़ी जो पावर है टू प्रोड्यूस समथिंग, और ये प्रोड्यूस करने की सामर्थ्य, चाहे संवेदना हो, चाहे संस्कार हो, चाहे अरुंधति के रूप में हो, चाहे वो अनुसुईया के रूप में हो, और चाहे वो मदालसा के रूप में हो, कि चार बच्चों में से तीन बच्चों को आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न बनाती है, चौथे बच्चे को कहती है मैं इसको भी बनाऊंगी ऋषि, फिर पिता कहता है कि राजा कौन बनेगा, तो फोर्थ को राजा बना देती है. ये नारी के बस में है, जो चाहे वो नारी बना सकती है. नारी के अंदर शक्ति है बनाने की, सृजन की शक्ति है, और इस सृजन की शक्ति को हमें पहचानना पड़ेगा. मह इलच आ, मतलब आप लोगों ने महिला शब्द इतनी बार सुना होगा, मैं आई एम जस्ट ब्रेकिंग. मह इलच आ, जो कि श्रेष्ठ है वो पूजनीय है वो महिला. लोग महिला महिला शब्द बोलते हैं, तो महिला है कौन? मह इलच आ, जो श्रेष्ठ है पूजनीय है. आज हम में से कितने हैं जो अपनी पत्नी को या अपनी माँ को उस स्थान पर बैठा मानते हैं? यदि मानते हैं तो कभी खाने की थाली हम उठा के नहीं फेंकेंगे, हम सम्मान करेंगे. हम कभी भी अपमान नहीं करेंगे पब्लिकली उसका, और हम उसका वो सम्मान करेंगे जो हमारे घर में आने वाली बहू है उसको हम इतना सम्मान करेंगे जैसे हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी आई. व्हाई डोंट वी डू इट? हम शायद जानते नहीं महिला कौन है. नर और नारी शब्द संस्कृत के नृ धातु से बने, जिसका अर्थ है जो सक्रिय है. नृ का मतलब होता है जो सक्रिय है, जो स्त्रीलिंग है वो नारी, और जो सक्रिय है पुरुष, और अगर पुरुष सक्रिय नहीं है तो नर नहीं है, नारी सक्रिय नहीं है तो नारी नहीं है. नृ धातु से बने. थोड़ा सा एक छोटा सा आपको बिगिनिंग बताया, पृथ्वी अपनी सहन शक्ति के कारण धरती कहलाती है, और नारी अपने इन्हीं गुणों के कारण धारित्री कही जाती है. धारित्री, धारण करने वाली. जब नारी की ये पावर है, सुपीरियरिटी ऑफ मदरहुड है, तो हमको मानना चाहिए कि मातृत्व में कितनी बड़ी शक्ति है. भारत माता को सर्वप्रथम गुरु कहा गया है, मैंने आपको कहा मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव. पारिस्थितिक नारीवाद, इको फेमिनिज्म, जननी प्रकृति नारी दोनों रूपों में शोषित की गई. हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमने किसी ज़मीन पर कब्जा कर लिया तो उसके बाद हमने वहाँ की नारियाँ भी उठा ली. पिछले 400, 500, 600, 700 साल का इतिहास देखें, इवन यू सी आफ्टर 1000 ईयर 1000, जब से चंगेज़ खां का इतिहास है या हम हूंस का इतिहास मानते हैं, जितना ज़मीन कब्जा किया उतनी ज़्यादा महिलाओं को उठा के ले गए, हरम में अपने महिलाओं को रख लिया, और दोनों को ही सहन शक्ति की सीमा का उल्लंघन पुरुष द्वारा किया गया. अब उनके प्रतिशोध की बारी है.
क्या वो बदला लें आपसे? नहीं, वो बहुत क्षमा की देवी हैं, वो बदला नहीं लेना चाहती। ये एक कंसेप्ट इको फेमिनिज्म का आया है कि इकोलॉजी के साथ साथ फेमिनाइन पावर का भी शोषण हुआ है। फ्रिट्ज़ ऑफ कापरा हैज़ रिटन ए बुक वेब ऑफ लाइफ। इन दैट बुक इट इज़ मैंशन दैट परिस्थितिक नारीवाद जो आया वो इको फेमिनिज्म के कारण आया, और इकोलॉजी एंड फेमिनिज्म हैज़ बीन एक्सप्लॉयटेड साइमल्टेनियसली, दोनों को साथ साथ एक्सप्लॉयट किया गया है। क्या किया जाए इसके लिए? हमें पितृत्व के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक वर्चस्व को अंगित करता है। आज का समाज जो है वो पैटर्निटी को मानता है, पैट्रियार्की का समाज। इसके समर्थक पुरुष द्वारा नारी के ऊपर अधिकार शोषण को हर प्रकार के शोषण वर्चस्व का कारण मानते हुए पद के क्रम में, सेना में, पूंजीवादी सोच में, औद्योगिक दौड़ में, हर एक जगह हम देखते हैं नर को ही श्रेष्ठता है। कहीं कोई अधिकार नारी को नहीं मिलते। कोई एकाध नारी पहुंचती है मेजर जनरल पद पर, कोई एकाध नारी पहुंचती है, कोई एकाध नारी क्यों नहीं आर्मी का जनरल बन सकती, कोई एकाध नारी क्यों नहीं वायुसेना का चीफ बन सकती। आई थिंक एक समय ऐसा आ रहा है, 21st सेंचुरी इज़ वुमेन सेंचुरी। ये 21वीं सदी नारी सदी है। हमारे गुरुदेव ने कहा ऐसा ज़माना आ रहा है जब नारी हर क्षेत्र में चुनौतियाँ देगी, जब कल्पना चावला जा सकती हैं ऊपर, और जब हमारे यहाँ की वो सुनीता विलियम्स जा सकती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा समय आ रहा है जिसमें हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नारी को उसका अधिकार मिलना चाहिए। प्रकृति और नारी का शोषण साथ साथ ही हुआ है। इसके मायने एकदम भिन्न हो जाते हैं जब महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, विकसित और विशाल विकासशील देशों के परिप्रेक्ष्य में। वेन एवर वी टॉक ऑफ वीमन लिब, वी डोंट से महिला सशक्तिकरण इज वीमन लिब। हुआ क्या है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो मूवमेंट आया है वो आया है वीमन लिब का। उन्होंने बरा उठा के फेंक दी, उन्होंने कहा हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये बंधन नहीं चाहिए। दैट इज़ नॉट वीमन लिब, दैट इज़ ए डिफरेंट आउटलुक टूवर्ड्स ऑफ वूमन टूवर्ड्स दिस सोसाइटी। एक प्रकार का बागीपन था वो हमारे ग्रामीण भारत के लिए और शहरी भारत के लिए। विद्या बहन ने बहुत अच्छी बात कही, विद्या ठाकुर जी ने, कि आप ग्रामीण भारत के लिए क्या करेंगे जहाँ शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि ग्रामीण भारत को एक तरफ रख लीजिए और जुहू में ऑन डे जनवरी 1 जो एक अत्याचार होता है कि हमारे दो लड़कियों, दो महिलाओं के साथ उनके पति के प्रेजेंस में उनके साथ जो छीना झपटी होती है, उस व्यवहार को क्या कहेंगे? हर जगह पुरुषत्व की मानसिकता है, हर जगह एक तरह से अपराधी क्रिमिनल मेंटेलिटी है, और दिस मेंटेलिटी इज साइकोलॉजिकली इल मेंटेलिटी। चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, गांव में अभी भी बहुत सुरक्षित हैं, बट स्टिल आई विल से कि गायत्री परिवार ने हर जगह, गांव में, शहर में, सब जगह जाके नारी मंडल बनाए हैं, और इनका नाम है महिला मंडल, महिला जागृति मंडल, या इनका आप इंग्लिश में नाम करना चाहें तो स्पिरिचुअल महिला सर्कल्स कह सकते हैं, नारियों के सर्कल्स बने हैं। और इनको, इनके सर्कल्स बनने की वजह से 24,000 मंडल जो हैं इनमें से आधे से ज़्यादा गांव में बने हैं, कस्बों में बने हैं। इसका मतलब ये कि नारी को जगाना है तो हमें सब लेवल पे जगाना पड़ेगा, सेमी अर्बन, अर्बन इन द रूरल एरियाज। इफ़ वी गो फर्दर अहेड, लिंग आधार पर पूर्ण समानता और लिंग भेद का समापन प्रमुख निर्धारण जो होना चाहिए, मैक्सिको के 1975 की कॉन्फ्रेंस में हुआ था। कि आज कितने साल हो गए? आज करीब करीब 33 ईयर्स हो गए। क्या हम जेंडर बेसिस पे इक्वलिटी दे पाए हैं? नो, वी हैव नॉट बीन एबल टू। नारी शक्ति द्वारा विकास कार्यों में पूरी भागीदारी क्या हम कर पाए हैं? नहीं। विश्व शांति में नारी शक्ति का अधिकाधिक योगदान हो क्या हम कर पाए हैं? नहीं कर पाए। इक्का दुक्का विजयलक्ष्मी पंडित आती हैं, इक्का दुक्का कहीं कोई एक आती है तो वो अपना काम कर जाती हैं, पर जो नारी को जिस लेवल पर ऊँचा उठना चाहिए था और वर्ल्ड लीडरशिप, ग्लोबल लीडरशिप के रूप में आना चाहिए था, मैं समझता हूँ कि वो आने का समय अब आ गया है। द्वितीय महिला विश्व सम्मेलन 1980 कोपेनहेगन में हुआ। शिक्षा के समान अवसर मिले, रोजगार में समान अवसर मिले, स्वास्थ्य सुविधाओं में बराबरी का दर्जा मिले, इसके बारे में चर्चा हुई। नाउ व्हाट आई टेल यू, वी कीप ऑन डिस्कसिंग इन दिस सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। बहुत खूबसूरत से ऑडिटोरियम होते हैं, जैसा ये बहुत बढ़िया सुंदर ऑडिटोरियम है। वी कीप ऑन डिस्कसिंग इन द एयर कंडीशन एटमोसफियर एंड वी जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। अगर इनको इम्प्लीमेंट करने का एक हाथ में एक रोड मैप बना लें एंड वी स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग देम, देन ओनली इट विल बी डन। अच्छी अच्छी बातें कही गई, पर दोनों बातें, दोनों कॉन्फ्रेंसेस के बाद कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसको कि हम कह सकें कि कुछ मेंटेलिटी बदली है। वही तालिबानी मेंटेलिटी हमारी है, वही मेंटेलिटी है बुरका पहनना चाहिए, वही मेंटेलिटी है सानिया मिर्जा को नहीं खेलना चाहिए, वही मेंटेलिटी है नारी को आगे नहीं आना चाहिए, वही मेंटेलिटी है आप इस देश में आएंगे तो आपको बुरका पहनना पड़ेगा। ये कहाँ तक चलेगा? दिस टाइप ऑफ मेंटेलिटी हैज़ टू चेंज एट ऑल ग्लोबल लेवल। चौथा विश्व सम्मेलन बीजिंग में हुआ 1995 में। महिलाएं और गरीबी,
शिक्षा और कार्य पद्धति प्रशिक्षण, आई एम जस्ट टेलिंग यू द हिस्ट्री इन शॉर्ट, महिला स्वास्थ्य संरक्षण, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, महिलाओं के शासन न्याय व्यवस्था में भागीदारी, और देन दी फीमेल फिटिसाइड एंड दी फीमेल, नॉट ओनली फीमेल फिटिसाइड इन द वूम बट द न्यूनेटल हत्या, बच्ची की उसके बाद हत्या। चाइना में बहुत सारे केसेस पकड़े गए जहाँ लड़कियों एक ही बच्चे का नॉर्म है तो वहाँ बच्चों को मार देते हैं, उसके बाद लड़की हो गई मार देते हैं। हमारे राजस्थान में ऐसा हुआ है, कई घटनाक्रम ऐसे प्रकाश में आए। भाइयों बहनों, ये सारे के सारे इश्यूज़ में हमने कितनी केसेस में अवेयरनेस पैदा की, ये हमको सोचना है। पाश्चात्य जगत में जेंडर बेसिस पे समानता के बदले वस्तुतः महिलाओं में पुरुषों जैसी अधिकार वृत्ति पैदा करना, ये प्रयोग हुए हैं। तत्कालीन पुरुष प्रधानता को महिला आधिपत्य से विस्थापित करना, ये वहाँ प्रयोग हुआ है। और उस प्रयोग में यू कैन सी वन ऑफ दी कोंडोलिना राइस इमर्जिंग एज दी नेक्स्ट टू प्रेसिडेंट, एंड बहुत अच्छा एक नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है और अमेरिकन सरकार की एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करती है। उससे पता चलता है कि एक ब्लैक वूमन भी वहाँ पर डोमिनेट कर सकती है, वूमन एंड देन ब्लैक, दीज आर द टू थिंग्स विच अमेरिका कुड नॉट थिंक ऑफ, पर वहाँ पर हुआ है। ऐसा जब हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता। महिलाओं को रोजगार के अवसर तथा वेतनमानों में समानता मिले, तलाक के लिए पहल करने का अधिकार मिले, गर्भधारण और गर्भपात हेतु स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, ये मैं सब पाश्चात्य जगत के लिए बोल रहा हूँ, मैं भारत की परिस्थिति के लिए नहीं बोल रहा हूँ। नतीजतन मध्य आयु वर्ग की महिलाओं का बहुत बड़ा वर्ग जो कि संतान रहित और अविवाहित एकाकी जीवन जी रहा है। दिस इज आयरनी, इतिहास गवाह है कि आदमी हमेशा अपने से कम उम्र की, कम योग्यता वाली, कम शक्तिशाली महिला से विवाह करना चाहता है। मैं पुरुषवादी मानसिकता बता रहा हूँ, मेरे से कम उम्र की होना चाहिए, अधिक उम्र की नहीं हो सकती। नेपोलियन की वाइफ उससे 10 साल 15 साल बड़ी थी, गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा जी उनसे बड़ी थी, करीब 12 साल बड़ी थी। जब ऐसा हो सकता है, पुरुष ही बड़ा हो कोई जरूरी है क्या? पर कम उम्र की हो, कम योग्यता वाली हो, कम शक्तिशाली, क्यों? ताकि मैं दबा कर रख सकूँ, मैं शोषण कर सकूँ। ये अगर ये वर्ग जो है जो एकाकी जीवन जी रहा है, सिंगल बेबीज, सिंगल बेबी मदर्स, सिंगल बेबी मदर्स या नॉन बेबी सिंगल मदर्स, ये जो सिंगल वुमेन रह रही हैं, क्या ये सही महिला जागरण है जो पश्चिम का है? आई डोंट थिंक सो। मैं आज के ज़माने में जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, मैं कहता हूँ भारत की परिस्थिति में हमें अलग सोचना है। ज़्यादातर बच्चे उन माओं द्वारा पाले जा रहे हैं जो आजीविका के लिए संघर्षरत हैं। संतान की जिम्मेदारी के अलावा बोझ से दबी हुई, डिप्रेशन से पीड़ित एकाकी नारी बहुत सारी हैं। कारण स्पष्ट है, केवल कुछ भाग्यशाली ही तालमेल बिठा पाते हैं। किसी ने कहा है, कामकाजी महिलाओं की पत्नियां नहीं होती। महिलाओं की पत्नी होंगी तो क्या होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। कामकाजी महिलाएं क्या होती हैं, अकेले रहना पसंद करती हैं। ये जो अकेलापन है ये भी बुरा है, इसके लिए क्या किया जाए? हमारे देश में क्या पश्चिम का आधुनिकतावाद आएगा या हमारे देश में कोई अंदर से नीचे से मूवमेंट खड़ा होगा जो नारी जागृति को सही परिप्रेक्ष्य में समझेगा? अभी आउटकम क्या है, नारियां एक उपभोग की वस्तु है, कंज्यूमरिस्टिक कल्चर, यू कैन सी इट ऑन द पेजेस ऑफ ऑल न्यूज़पेपर्स। आप चाहें तो फैशन के पेजेस देख लीजिए, चाहे आप FTV देख लीजिए, एक सामाजिक विभूति के स्थान पर सारा के सारा जो है उपभोक्ता का स्वरूप मान लिया गया है। पूरे संसार में सारी खूबसूरत महिलाएं हिंदुस्तान में हैं, ऐसा सिद्ध हुआ 1994 में, जब एक सुष्मिता सेन नाम की एक लड़की को वो बना दिया गया, उसको कह दिया गया कि ये वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल महिला है। क्यों? उनको अपने कंज्यूमेबल प्रोडक्ट खपाने थे इस देश में, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और उसके बाद ऐश्वर्या राय को चुना और उसके बाद हमारे देश में हर नारी सुंदर बनने लगी, हर नारी ने सुंदर बनने का प्रयास किया। ये क्या है? नारी को भ्रमित करने का प्रयास। अरे सुंदर अपने गुणों से बनते हैं, अपने अंदर की क्वालिटी से बनते हैं। आप अंदर से जब अपने प्राण शक्ति को निकालेंगे तो आपकी सुंदरता और आपका वर्चस्व दिखाई पड़ेगा। वो जो मॉइस्चराइजिंग लोशन से लेकर ब्यूटीफुल बनने के प्रयोग और दुनिया भर के ब्यूटी पार्लर में जाने के प्रयोग करने लगे, उससे हमारी नारी दिग्भ्रमित हो गई, एक सजावटी गुड़िया बन गई, जगमगाता गहना बन गई, जिससे अश्लीलता की हदें पार कराई जा रही हैं। प्रसाधन सामग्री की खपत राष्ट्रों के विकास को मापने का एक पैमाना बन गया है। नारी को स्वयं इस स्थिति से उभरना होगा। नाउ द मैसेज ऑफ माइन आफ्टर दैट इज, नारी हैज़ टू कम आउट, वुमन हैज़ टू कम आउट ऑफ दिस कंडीशन, बिकॉज शी शुड नॉट बिकम ए कॉन्स्पिरेसी ऑफ मैन पावर। अगर वो षड्यंत्र का शिकार हो गई तो फिर क्या होगा कि वो फिर से पहले पुराने जमाने में नवाबों के द्वारा, शोषकों के द्वारा, उत्पीड़कों के द्वारा, चंगेज खां के वारिसों के द्वारा शोषित की गई, आज हमारे दूसरे जो बड़े बड़े हमारे रूपर्ट मर्डॉक से लेकर और भी दुनिया भर के जितने सारे लोग बने पड़े हैं, इन सब की और फैशन जगत के वर्सेस और इन सब के लोगों के शिकार हो जाएगी।
पातंजलि और कात्यायन की कृतियों में पता चलता है कि वैदिक काल में स्त्रियां उच्च शिक्षित होती थी, बहुत हाईली ट्रेंड। 67% वर्सेस जो ऋचाएं हैं वेदों की, वो नारियों द्वारा लिखी गई हैं। कैन यू इमेजिन, ऋषिकाओं ने हमारे ग्रंथों को लिखा है। ऋग्वेद की ऋचाओं द्वारा सिद्ध होता है कि स्त्रियां परिपक्व होने पर विवाह करती थीं, मैच्योरिटी के बाद, संभवतः अपने जीवन साथी को चुनने के लिए स्वतंत्र थीं। आज ग्रंथों में कई महिला विद्वानों का उल्लेख आता है, गार्गी, मैत्रेयी, घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, इन सबके नाम आते हैं। मध्यकालीन एक अंधकार युग आया, सती, जोहर, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, अंततः घर की चार दीवारी में कैद हो गई और हमको बेड़ियों में जकड़ दिया गया। कभी मैं बहुत सारे चूड़ियों में, बहुत सारे सोने के कपड़ों में, सोने से लदे हुए गहनों में किसी महिला को देखता हूँ, मैं सोचता हूँ जकड़ दिया गया इसको। एक दिखावे के लिए, पहनने के लिए, सौभाग्य प्रतीक रूप में आपने एक पहन लिया, कोई बात नहीं। पर जब इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो क्या होता है कि ये अंततः हमारे लिए जो पुराने ज़माने में हथकड़ियाँ थीं और बेड़ियाँ थीं, वही आपने पहन ली अननेसेसरली। कमज़ोर मातृत्व से कमज़ोर संतति, परिणाम सामाजिक पतन। मेडिवल हिस्ट्री में यही हुआ और इस वजह से संतानों का स्वास्थ्य भी गड़बड़ाया, संस्कार भी गड़बड़ाए। और कमज़ोर संतान आई, ऐसी संततियाँ आईं जिनके संस्कार कम थे, तो उन्होंने देश की रक्षा भी नहीं कर पाए। आके हमारे ऊपर महमूद गजनवी 21 बार अटैक करके चला गया, हम लोग लड़ भी नहीं पाए। क्यों? कमज़ोर संततियाँ, कमज़ोर संतानें। अब हमारा राष्ट्र जागा है। लक्ष्मीबाई, हमारे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर जो 1857 के बाद का इतिहास है, स्वामी विवेकानंद के आने का इतिहास है, भगिनी निवेदिता के आने का इतिहास है, ये बताता है कि नाउ द टाइम हैज़ कम फॉर दी विमन अवेकनिंग। विख्यात नारीवादी जर्मेन ग्रीन ने कहा था, गाय और नारी के साथ भारत में एक जैसा बर्ताव किया जाता है, हमारे देश के बारे में ये मान्यता है। शक्ति और दुर्गा के रूप में पूजन पर व्यवहारिक रूप में लज्जित करने, प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं देते, कर देते हम। चाहे कोई कल्चरल प्रोग्राम हो, चाहे फैशन परेड हो, कुछ भी हो, हम लोग लज्जित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। परिणाम स्वरूप दहेज, हत्या, प्रताड़ना, आर्थिक पराधीनता, इकोनॉमिकली हम लोग जो हैं आधी शक्ति की प्रोडक्टिव पावर को गंवा रहे हैं। यौन प्रताड़ना, सेक्सुअल एब्यूज़ और एड्स, इस तरह की तकलीफें हो रही हैं, बीमारियाँ हो रही हैं, और हमारी नारी शक्ति का जो मूल गौरव है वो खत्म होता चला जा रहा है। स्त्रियाँ स्वयं स्त्रियों की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। एक मैं कोई कमेंट नहीं मांग कह रहा हूँ, ये एक ऑटोमेटिकली निकल के आता है। सास बहू को लाइक नहीं करती, बहू सास को लाइक नहीं करती, मुझे सास बनने दो, फिर मैं देखूंगी अगली सास, जब अगली मेरी जब बहू आएगी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी तो बहू भी कभी सास बनेगी। अब ये जो नारी नारी से यदि प्रेम करने लगे और नारी नारी को ऊंचा उठाने की बात सोचने लगे, तो ननंद के बीच में, सास के बीच में, बहू के बीच में संबंध, विवाहेतर संबंध, एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशनशिप जो आज डेवलप हो गई है, स्पेशली विद द कॉर्पोरेट वर्ल्ड कल्चर कमिंग अप एंड दिस इज ग्रोइंग अप लाइक एनीथिंग, दिस इज वेरी डेंजरस फॉर अवर सोसाइटी। पुत्र प्राप्ति, बेटा ही होना चाहिए। हमारी माँ जो है, हमारी दादी जो है, वो बेटे का मुंह देख के जाना चाहती है, जल्दी चली जाओ ना, फालतू बेटे के चक्कर में 3 लड़कियाँ और हो जाएंगी, अब परेशान करोगे, 2 फीमेल फिर डिसाइड हो जाएगी और उसके बाद बच्चा होगा। माँ ऐसा क्यों करते हो कि बेटा ही होना चाहिए, बेटा ही संस्कार, ये मतलब ये हमारे यहाँ बेटा बेटी में भेद जो है, इसने सारी समस्याएँ पैदा की। और फिर विधवा विवाह नहीं हो सकता हमारे देश में, क्यों नहीं हो सकता, क्यों उसको मौका नहीं मिलना चाहिए? 18 साल की उम्र में शादी कर दी जाती है, 20 साल की उम्र में। मैं करीब करीब मैडम किरण बेदी जी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे साथ कभी चले उत्तराखंड में, मुनस्यारी एक जगह है ऑन दी नेपाल चाइना बॉर्डर, वहाँ हमने एक पूरा सेंटर बनाया है, वहाँ पर 4,000 विधवाएँ हैं, 4,000 विधवाएँ, और कितनी बड़ी उम्र है उनकी, 20 से 24 25 साल की। उनके पति शराब पी के मर गए, शराब पी के खोखले हुए मर गए पूरे। वो पत्नियाँ या तो काम करें, काम कोई दे उनको तो करें, गलीचे बुनने का धंधा था, वो किसी ने मल्टीनेशनल ले लिया। वी स्टार्टेड दी कारपेट वीविंग प्रोग्राम, वी स्टार्टेड हर्बल प्रोजेक्ट देयर, एंड ऑल दोज लेडीज आर नाउ डूइंग लॉट ऑफ गुड वर्क। ऐसा काम करने के लिए ढेर सारे लोग हैं। फिर विधवाओं में उनके विवाह के लिए हमने प्रयास किया, पर अभी भी समाज वहाँ बहुत ज़्यादा एडवर्स है। कुछ विधवाओं की शादियाँ हुई, कुछ विधवाएं अभी भी शादी करने को तैयार नहीं। पर उम्र कितनी है? 23-24 साल। इस 24 साल की उम्र में तो लड़कियां पढ़ती हैं, MBA करती हैं हमारे यहाँ, और उसके बाद वो लड़की विधवा होने के बाद शादी नहीं कर सकती, किसने कह दिया? आज से 150 साल पहले राममोहन राय जी ने इतनी लड़ाई लड़ी, क्या हम उसको वापस नहीं ला सकते, जमाने को वापस नहीं ला सकते? उत्तराखंड में शराबी पति जो मैं आपको बता रहा था वही बात, आंध्र प्रदेश, यूपी में मुस्लिम कानून, यू कैन इमेजिन इट डजंट प्रिवेंट, दीज आर दी रीजनल प्रॉब्लम्स। राजस्थान में बाल विवाह, अक्षय तृतीया आने दीजिए, मई के महीने में सारी की सारी यंग एज की बच्ची को मालूम नहीं, बच्चे को मालूम नहीं क्या हो रहा है, पर शादी कर दी जाती है बाल्यकाल में, और अभी तक सरकार नहीं रोक पाई इसको, न
21st सेंचुरी 2007 निकल गया, 2008 में देखते हैं क्या होता है। हम विरोध करते हैं, हम जगह जगह जाते हैं, बताते हैं, हमारे लोग बाग मूवमेंट खड़ा करते हैं, फिर भी यंग एज में मैरिज हो जाती है। यंग एज यानी आप कल्पना कीजिए 6-7 साल की उम्र, इज दैट द एज टू गेट मैरिड। ये नारी की जागरण के क्षेत्र में इस सबके सब बीच में ऑब्स्टिकल्स हैं। हिंसा का कोई प्रकार इतना नहीं जितना कि दर्दनाक, घृणात्मक, शर्मनाक कन्या भ्रूण हत्या। लॉट ऑफ इट, लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन टोल्ड, आई वॉन्ट स्पीक मच ऑन दैट। भारत का लगातार कम होना लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो, यू कैन इमेजिन 2005 में 750-850 जो एवरेज है वो इतना हो गया है। एंड स्पेशली एज आई टोल्ड यू द चंडीगढ़, 3.5 से 4 करोड़ कन्याएं पैदा होने के पहले ही मार दी गई पिछले 7 सालों में। यू कैन इमेजिन पैदा होने से पहले मार दी गई कन्याओं की कब्रगाह, इनकी कराहें आपको परेशान करेंगे। हमारी एक बिटिया बीच में बैठी है श्वेता, उसने बहुत अच्छी फिल्म बनाई हम लोगों के युवा प्रोग्राम में, उसने यूथ इमेंसिपेशन दिखाई, उसमें एक बच्ची की अपनी माँ से चिट्ठी लिखी है उसने, और माँ को उसने वहाँ से लिखा, माँ मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी, आपको डॉक्टर अंकल दोनों को माफ़ नहीं करूँगी जिन्होंने मिलकर किया, मुझे एक बार बोल दो कि तुम मुझे प्यार करती हो, अगर तुम एक बार मुझे हृदय से बोल दो कि मुझे प्यार करती हो तो मैं फिर आपको माफ़ कर दूँगी। वहाँ से सपना देती है अपनी माँ को, माँ को सपना आता है। भाई बहनों आप कल्पना कीजिए कि ये जो फीमेल फेटिसाइड है किस तरह से हमारे पूरे सूक्ष्म जगत को, परोक्ष जगत को प्रदूषित करता है, और उस प्रदूषण में हमारा सारा का सारा जो कराहे हैं जिन बच्चियों ने अपनी जान गंवा दी वो सारी उसमें शामिल है। 61.7% पुरुष, 53.3% महिलाएं, जबकि 50-50% होना चाहिए भारतीय मतदाता सूची में। कन्या क्यों अवांछनीय है? पुरुष प्रधान समाज, महिलाओं को क्लास 2, दहेज प्रथा, 500 रुपये अभी देना बेहतर बजाय 5 लाख बाद में देने के, इसलिए हम लोग जो है लड़के नहीं चाहते। दहेज प्रथा भी एक कारण है, और दहेज इसी हिंदुस्तान में है और कहीं नहीं है। इसी हिंदुस्तान में एक प्रथा है कि घोड़ी पे बैठकर एक गधा जाता है और वो शादी करके आता है, किसी देश में नहीं है। आप किसी और देश में बता दिए, हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और इतने सारी हमारे पास व्हीकल्स हैं, पर वही परंपरा है, बारात चलेगी, आगे डांस होगा, और वो लड़का जब जाएगा तो वहाँ पूछा जाएगा क्या दिया दहेज में, कितना पैसा दिया दहेज में। ये हिंदुस्तान में ही है और किसी देश में दहेज नहीं है। क्या दहेज को रोका नहीं जा सकता? क्या दहेज के खिलाफ हम आंदोलन नहीं चला सकते? परमपुर जी गुरुदेव ने लिखा है, खर्चीली शादियां हमें दरिद्र बेईमान बनाती हैं। हमारे देश की दरिद्रता और बेईमानी रोकी जा सकती है यदि हम दहेज के खिलाफ अभियान चलाएं। हमारे गायत्री परिवार के लोगों ने प्रयास किया है, बड़े बड़े पोस्टर लेकर के जहां शादी होती है बैंक्वेट हॉल में और खड़े हो जाते हैं, खर्चीली शादियां हमें दरिद्र बेईमान बनाती हैं। तो अब जो उसमें जाएगा अटेंड करने के लिए वो दरिद्र और बेईमान है वो भी, और जो अंदर हो रहा है वो भी दरिद्र बेईमान है। हम नहीं कह रहे, ये पोस्टर कह रहा है, हम नहीं बोलेंगे कुछ भी। धीरे धीरे करके विरोध की हवा बढ़ेगी और ये गांधी जी गांधीवादी सत्याग्रह, जिसको गांधीगिरी भी कह सकते हो आप लोग, ये जीतेगा, निश्चित रूप से जीतेगा। लोगों के मन में आएगा कि नहीं हमें नहीं करना, हमें खर्चीली शादी नहीं करनी, इसका प्रदर्शन भी नहीं करना। कन्या क्यों वांछनीय है? पुत्र घर का कमाव पूत है, कन्या एक पारिवारिक जिम्मेदारी है, धार्मिक मान्यता है, अंतिम संस्कार पुत्र के द्वारा ही है। अब बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन हुई है, अंतिम संस्कार अब नारियां करने लगी हैं, कन्याएं करने लगी हैं और कन्याएं कराने लगी हैं। धार्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाल ली है। कन्या की पढ़ाई पर होने वाला खर्च ससुराल के ही काम आएगा। भाइयों, कन्या ही काम आती है माता पिता के, बेटा काम नहीं आता। बेटा चला जाएगा अमेरिका अपनी बहू को लेकर के, काम लड़की आएगी केवल। इसलिए हमें ये मान के चलना चाहिए कि लड़की का होना मतलब एक एसेट हमारे लिए। संसद महिला आरक्षण, मैं नहीं बोलना चाहता इसके बारे में। मैंने किरण जी से एक बात कही कि मैं पॉलिटिकल मूवमेंट हमारा अभी नहीं है शांति कुंज गायत्री परिवार, न कभी होगा। हमारे गुरुदेव ने कहा हम राजनीति में भाग नहीं लेते, वो भी कह रही हैं मैं राजनीति में कभी नहीं जाऊंगी, नॉन पॉलिटिकल स्तर पर ही काम करूंगी। पॉलिटिकल लेवल पे क्या हो रहा है आप देखिए, छद्म सशक्तिकरण औजार बन के नहीं रह जाए, अगर बन भी गया तो इसमें कौन जाएगा? जैसा हमारी विद्या जी ने कहा, मिसेस ठाकुर ने कहा कि अगर बन भी गए तो क्या हुआ, अल्टीमेटली वो उनका पति जो है वो आगे बैठ जाएगा, क्या करना है? पंचायत में यही हुआ है, पंचायत कानून। सशक्तिकरण के 6 औजार ये आप देख लें, संवेदना, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन, सम्मान, ये मिलना चाहिए। संवेदना दें हम, नारी से प्यार से बात करें, नारी को पूछें, लड़की होने से लेके ऊपर तक जो डेवलप होने के चांसेस हैं वहाँ तक लेके, प्यूबर्टी से लेके हर स्टेज पे सुरक्षा दें, सिक्योरिटी दें, और सिक्योरिटी देने के बाद उसको स्वयं सिक्योर होने के लिए माहौल बना दें। आज नारी सुरक्षा के क्षेत्र में खड़ी है, BRC की सुरक्षा फोर्स की एक बहन बैठी है हमारे बीच में, हर जगह जहाँ देखिए वहाँ, और उसकी एक सुरक्षा के प्रतीक के रूप में हम लोगों की सुरक्षा करने वाली किरण बेदी जी बैठी हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, इसके बारे में कौन ध्यान देता है? एक पीरियड आता है मंथ में एक बार, और उसी पीरियड में बहुत सारी वीकनेसेस हो जाती हैं, बहुत सारी महिलाएँ एनीमिक होती हैं,
और उन एनीमिक महिलाओं के लिए भी कोई चिंता करता है कि किसी प्रकार की? सारे के सारे जितने भी स्वास्थ्य रिलेटेड इश्यूज हैं, स्पेशली जब जबरदस्ती गर्भपात करा दिया जाता है, उसके बाद नोबडी वरीज अबाउट द डाइट एंड द न्यूट्रिशन। शिक्षा, स्वावलंबन, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई है, बच्चियाँ बच्चों से ज़्यादा एक्सेल कर रही हैं, पर अभी बहुत कुछ नहीं हो पा रहा। स्वावलंबन, सेल्फ एंटरप्रेनरशिप प्रोग्राम, इनके लिए रोजगार दिलाया जाना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा करना चाहिए, और उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सम्मान मिले उनको, तब जाके सशक्तिकरण होगा, सशक्तिकरण इससे कम में नहीं हो पाएगा। ये हमारा अखिल विश्व गायत्री परिवार है, ये वंदनीय माता जी हैं, ये मेरी पत्नी हैं शैलवाला पंड्या, और ये ऐसे अलग अलग जगह पे कार्यक्रम हो रहे हैं। गायत्री परिवार के 60% वर्क फोर्स, कार्यकर्ता फोर्स नारी है। ये एक हम बहुत गर्व के साथ इस बात को कह सकते हैं कि नारी शक्ति ही हर स्थान पर काम कर रही है और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ बढ़ के काम कर रही हैं क्रांति के क्षेत्र में। परमवंदनीय माता जी ने नारी जागरण की धुरी पर तप कराया बच्चियों को और देव कन्या तैयार की। जब उचित समय आया तो उनकी शादी कर दी। अब उसको अपने अपने क्षेत्र में जागरण का काम कर रही हैं। वंदनीय माता जी की इस परंपरा को आगे भी चलाया गया। नारी जागरण आंदोलन के कई आधार हैं, पर मैं लास्ट पे मैं बोलना चाहता हूँ, एकता, समता, ममता, शुचिता पर आधारित समाज खड़ा। एकता राष्ट्रीय स्तर पर, समता सोसाइटी के स्तर पर, ममता परिवार के स्तर पर, शुचिता यानी पायसनेस इन द डे टू डे लाइफ, ये व्यक्तिगत स्तर पर। इस पर जब समाज खड़ा होगा तो समाज नया बनेगा और बेस्ट बनेगा। गायत्री परिवार स्वयंसेवी समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला मंडलों की स्थापना करता है। 400,000 सक्रिय सदस्य हैं और मंडल करीब मैंने जैसा बताया 24,000 से ज़्यादा मंडल हैं। एक्टिविटीज ऑफ गायत्री परिवार, यू कैन सी रिव्यू एंड प्रीव्यू सेशन, साइकोलॉजिकल रीअश्योरेंस, वेरियस एक्टिविटीज़ इन द स्लम्स एरिया, वेरियस एक्टिविटीज़ इन द ब्लड डोनेशन कैंप्स एंड ऑल दोज थिंग्स। देन यू कैन सी दीज आर द एक्टिविटीज़ ऑफ वडोदरा, मुंबई एंड ऑल दोज एरियाज, एंड दीज आर द प्ले कार्ड्स, इसको लेके चलती हैं। व्यसन मुक्ति अभियान में बहुत आगे चल के, अश्लीलता मुक्ति अभियान में होली जलाती हैं हमारी बहनें, और ये इसके लिए खूब आगे बढ़ चढ़ के प्रयास कर रही हैं। ये हमारे स्वावलंबन के आंदोलन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसमें कि वो उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रयास किया जाता है। एंड देन यू कैन सी दीज आर द आइडियल मैरिजेस, एक्सपेंसिव मैरिजेस को बचाने के लिए खर्चीली शादी रोकना चाहिए और हमें बर्बादी रोकना चाहिए। बिना दहेज की शादी लगभग 1,00,000 की संख्या में इस मिशन ने कराई है। गायत्री परिवार ने 1,00,000 की संख्या में कराई हैं, 5-5 रुपये की लागत से कराई हैं, तो कितने देश का पैसा बचाया होगा, पर ये बहुत कम है लुकिंग टू दी ग्रेविटी। शांतिकुंज में महिला स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन विश्वविद्यालय, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हमने खड़ा किया है। 70% उसमें गर्ल्स हैं एंड वी आर ट्राइंग टू एजुकेट पीपल कि गर्ल्स को हमें आगे लाना पड़ेगा। गर्ल्स आगे आएंगी नॉट ओनली इन एजुकेशन, क्या होता है पढ़ती तो हैं, 12th में अच्छा एक्सेल करती हैं, उसके बाद जा करके वो टेक्नोलॉजी में या मैनेजमेंट फील्ड में जा करके नौकरी तो अच्छी ले लेती हैं, उसके बाद वो कहाँ जाएँ? शादी होने के बाद वो हाउसवाइफ बन जाती हैं, बस हाउसवाइफ बन गए, उसके बाद फिर कोई काम नहीं है। फिर क्या है, पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और जैसे बच्चा आया 5 साल के लिए कैद है फिर से। मतलब दिस प्रॉब्लम इज ओनली वन कि महिला हैज़ टू बिकम दी ग्रुप लीडर, सोसाइटी का लीडर बनना चाहिए। सोसाइटी का लीडर बनने के लिए कुछ महिलाओं को आगे आना पड़ेगा जो क्षेत्र में कुछ काम करें। अश्लीलता विरोधी अभियान, जो इनडिसेंट जो एक्सपोजर वाले जो फोटो हैं अश्लीलता के, उनको नष्ट करना, प्रौढ पाठशाला अलग अलग जगह चल रही हैं पूरे देश में, और महिला स्वास्थ्य शिविर, महिला पुरोहित तथा धार्मिक समानता। यू कैन सी जी पहली बार हमारा वन्य माता जी ने प्रयोग कराया कि हमारी महिला भी धर्म क्षेत्र में आगे आ सकती है, और ब्रह्मवादिनी बहनों के द्वारा कार्यक्रम कराए गए, बड़े बड़े यज्ञ कराए गए, 108 कुंडी यज्ञ, 1008 कुंडी यज्ञ आउलखेड़ा का, और इसके अलावा सारे संस्कार जितने भी हैं वो महिला करा सकती हैं। आज सारे देश में हो रहे हैं ये कार्यक्रम, सारे देश में इतनी टोलियाँ प्रशिक्षित की जा चुकी हैं, और झारखंड, बिहार, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, गुवाहाटी, आसाम, वाला बेल्ट, इन सब इलाकों में, गाँव में बहुत सारी महिलाएं सक्रिय हैं। पूरा उड़ीसा, पूरा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इस पूरे बेल्ट में, गुजरात में मैक्सिमम, उसके नीचे उतरे तो महाराष्ट्र में, और अब नीचे के दक्षिण के चार भारतों में, चार हिस्सों में प्रयास चल रहा है। सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस वहीं आता है कि वहाँ नारी नहीं करा सकती, बट नारी को अधिकार गायत्री परिवार दिला करके रहेगा पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में, किसी भी हालत में, महिला क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में भी, हर क्षेत्र। ये धार्मिक अधिकारों की पुनर्स्थापना, परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य, ज्ञान क्रांति से नारी जागरण आंदोलन को गति मिले, ऐसा हम चाहते हैं। गायत्री परिवार के प्रयास हैं, यूनियन 21वीं सदी नारी सदी का नारा दिया गुरुदेव ने, काफ़ी साल पहले कहा था 21वीं सदी नारी सदी, भाव संवेदनाओं की सदी। आखिर 21 सदी है क्या? भाव संवेदनाओं की सदी, आत्मीयता की सदी, सहयोग सहकार की सदी। किसी से रिवेंज नहीं लेना, किसी से बदला नहीं लेना नारी को। नारी चाहती है कि आप अपने अंदर की भाव संवेदना जगाइए,
हर नर के अंदर एक नारी है, भाव संवेदना वाला कोर उसका जो है वो नारी है, उसके अंदर जो एग्रेसिव स्वरूप है वो नर है, नारी के अंदर एक नर है, नारी का जो एग्रेसिव स्वरूप है वो नर है, और नारी का जो अंदर का भाव संवेदना वाला स्वरूप है उसका एक्सप्लॉयटेशन करके उस नर को दबा दिया जाता है। यदि ये दोनों का समान विकास होगा तो मैं समझता हूँ एक प्रगति का चरम शिखर आएगा। भाव संवेदना, करुणा, दूरदर्शिता, धैर्य और सहन शक्ति का अच्छे ढंग से कंपेशनेट पावर डेवलप करके सत्य और न्यायप्रियता और गायत्री महाशक्ति के वास्तविक स्वरूप का प्रकटन यदि यह होगा तो 21वीं सदी नारी सदी के रूप में निश्चित रूप से उभर के आएगी। एक नई पीढ़ी, एक नए समाज की, एक नए विश्व का निर्माण, वे सब केवल इस क्षेत्र में सफल होंगी, ऐसा विश्वास है हमारे गुरुदेव का, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा गायत्री परिवार के 9 करोड़ लोगों का विश्वास है। ये विश्वविद्यालय देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो बन के खड़ा हुआ है, लगभग 60 करोड़ की लागत से खड़ा हुआ है, 200 करोड़ और इसमें लगना है, सारा जनता के सहयोग से खड़ा हुआ, सरकार से कोई पैसा नहीं लिया, एक पैसा भी सरकार का नहीं, और इसके माध्यम से सारा सारा तंत्र खड़ा किया। हमारे गुरुदेव ने कहा था कि सरकार से पैसा लेने का मतलब है सरकार का गुलाम बन जाना और सरकार के कहे अनुसार चलना, पर ये UGC द्वारा मान्यता प्राप्त, HRD मिनिस्ट्री द्वारा मान्यता प्राप्त एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके 1000 colleges इन नेक्स्ट 2 years दे आर स्टार्टिंग इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। डिस्टेंस एजुकेशन इज ऑल्सो स्टार्टेड, लेट एवरीबडी गेट एजुकेटेड, लेट ऑल नारीज गेट एजुकेटेड, घर में रहने वाली महिला को भी पढ़ने दीजिए, पढ़ने के बाद योग के माध्यम से, मनोविज्ञान के, मनोचिकित्सा के माध्यम से उसको अपने बारे में जान दीजिए, टेक्नोलॉजी के बारे में जानने दीजिए, हर क्षेत्र में आगे आने दीजिए, ये हमारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय का प्रयास है। मेडिटेशन के द्वारा मैं भी क्लास लेता हूँ, वहाँ पर गीता भी सिखाता हूँ बच्चियों को, और मैं समझता हूँ कि मेरी बच्चियाँ बहुत अच्छी निकल के आई हैं। मेरी बच्चियाँ हैं 20 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक की, और सारी सारी बच्चियाँ लीडरशिप के क्षेत्र में आगे आने का प्रयास कर रही हैं और एक्सीलेंस अपनी बताने की कोशिश कर रही हैं। ये शांति कुंज है, आप देख रहे हैं पीछे, ये हिमालय है, ये गंगा है, और ये सारा शांति कुंज का कैंपस है। जो लोग आप में से नहीं आए हैं उनको शांति कुंज आने का आमंत्रण, गंगा के किनारे हाईवे के साइड में एक ऐसा स्थान 200-250 एकड़ में बना हुआ है, सबको आमंत्रित करता है। ये हमारा शांति कुंज का अंदर का कैंपस। लास्टली, ये शपथ आज हम लोग लेंगे रोड मैप के रूप में, हम महिला शक्ति जागरण हेतु हर संभव प्रयास करेंगे, कन्या भ्रूण हत्या रोकेंगे, महिलाओं को जीवन के हर क्षेत्र में समान अवसर दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे और नारी समानता के लिए समाज में अपने प्रभाव का पूरा उपयोग करेंगे। ये हम जो शाम को डिस्कशन समाप्त करेंगे उसके पहले शपथ लेंगे। धन्यवाद। देवियाँ देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, और निश्चित रूप से आपके द्वारा दिए गए उस उद्बोधन से हम जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं इस युग को बदलने में अपनी अहम भूमिका निश्चित रूप से निभाएंगे। और अब मैं हमारे अतिथि स्पीकर के रूप में आज यहाँ विराजमान ऐसी महिला जो आज की पीढ़ी में जितनी भी कन्याएं हैं उन सबके लिए आदर्श हैं, डॉक्टर किरण बेदी। भारतीय पुलिस सेवा में सन 1972 में आपने ज्वाइन की, भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला जो इतने उच्च पद पर पहुंची। आप संयुक्त राष्ट्र महासचिव की पुलिस सलाहकार भी आप रह चुकी हैं, और इतने ऊंचे पद पर रहने के बाद भी सक्रियता की एक ऐसी मिसाल, केवल भारतीय ही नहीं बल्कि एशिया की भी टेनिस चैंपियन आप रह चुकी हैं, एशिया का नोबेल पुरस्कार जिसे कहा जाता है, और तो कई पुरस्कार मिले हैं किंतु एशिया का नोबेल पुरस्कार जिसे कहा जाता है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, उससे आप सम्मानित की गई हैं। कई पुस्तकें आपने लिखी हैं, आप संस्थापक भी हैं, 2 NGO आपने शुरू की है, नवज्योति और इंडिया विजन, जिसके जिनके माध्यम से बच्चों की एजुकेशन और कई अन्य प्रकार के प्रकल्प उनके माध्यम से चलाए जा रहे हैं। तिहाड़ जेल में आपके द्वारा किए गए कार्य निश्चित रूप से सबके लिए प्रेरणादायी है। द वीक जो मैगजीन आती है 2002 में, उसके प्रकाशन में आपको मोस्ट एडमायर्ड वुमेन ऑफ इन द कंट्री का से नवाजा गया। मैं अधिक शब्द नहीं बोलते हुए यही कहूँगा, हम और आप सबके लिए प्रेरणादायी, न सोचो अकेली किरण क्या करेगी, तिमिर में अकेली किरण ही बहुत हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आवाज़ देना चाहूँगा श्रीमती किरण बेदी। चेयरमैन सर और साथियों, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच में आकर ये सब कुछ सुनना, बहुत और नई प्रेरणा जागने का मौका मिलता है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ रोज़ नरिशमेंट चाहिए,
इसीलिए हम लोग ब्रेकफास्ट लंच और डिनर्स लेते हैं, लेकिन यहाँ आकर एक और तरीके की आत्मिक प्रेरणा और मिली, जिसमें निश्चय जो भी मन को मन में भावनाएं होती हैं और भी दृढ़ होती हैं। इसलिए ऐसे समागम बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इसमें एक तरीके की अपनी विचारधारा की रिविज़न होती है और उसमें वापस उसमें ताकत जुड़ती है। हमें जो भी डॉक्टर साहब ने अभी तक, गुरुजी ने जो अभी तक बताया, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत होलिस्टिक। इसमें अगर मुझे कुछ जोड़ना है अपने थोड़े समय में, तो मैं जोड़ूंगी इसमें कि ये सब संभव कैसे होगा। प्रॉब्लम्स हम सब जानते हैं, प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, प्रॉब्लम्स हम भुगतते हैं, प्रॉब्लम्स हम लोग क्रिएट भी करते हैं। हम सब किसी ना किसी तरीके से इस प्रॉब्लम्स के हिस्सेदार हैं, किसी ना किसी रूप में, बाप के रूप में, माँ के रूप में, एम्प्लॉयर के रूप में, टीचर के रूप में, एक नागरिक के रूप में, और एक रिश्तेदार के रूप में, एक नेबर के रूप में, एक बड़े के रूप में। हम किसी ना किसी तरीके से इस प्रॉब्लम को, नहीं तो इतनी प्रॉब्लम इतनी गंभीर नहीं होती, तो शुरू कहाँ से करें? क्योंकि हमको गुरुदेव ने सब कुछ बताया है, इतनी डिटेल में बताया, कुछ चीज़ छोड़ी नहीं है कि क्या क्या कारण है हिस्टोरिकली हम लोग इतना डिटोरेट करते आए। तो हमको अब सवाल ये पूछना है कि क्या हम ऐसे खाई में अब गिरते जाएंगे कि खाई से खाई को भरना है? पहले तो इस खाई को भरना पड़ेगा, क्योंकि इतनी गहरी खाई हो गई है कि इसको पहले भरना पड़ेगा, फिर एक तह पर आना पड़ेगा। सो यू कैन इमेजिन कि हमारे सामने कितनी बड़ी एक चुनौती है। सो कैसे बदले इस खाई को, इस खाई को भरे पहले? कौन भरेगा? कौन पहले शुरुआत करेगा? कौन पहले उसमें योगदान देगा? सवाल उठता है, कौन पहले उस खाई को भरने की शुरुआत देगा? तो जब आपको लास्ट में उन्होंने एक ओथ के अनुसार बोला, मैं सोची मैं लास्ट में एक और लाइन जोड़ती अगर उस समय मैं आपके बीच में होती, जो कि मैं जोड़ के जाना चाहूँगी, वो ये है मानसिकता। आपने जो भी बताया ये सारी चीज़ें संभव है अगर हमारे में दृढ़ निश्चय है और हमें मानसिकता बदलने के लिए एक दृढ़ निश्चय है, क्योंकि जो हम कर्म करते हैं वो मन से होती है, जो विचार होता है वही निकलता है। हम अगर हमारा विचार आज था इधर आने का, आप आए, आपको टैक्सी मिली या गाड़ी आई, आप आए, नहीं तो कहीं और जाते, क्योंकि आपका मन यहाँ था, आपकी विचार यहाँ थी, इसलिए आप यहाँ आए। तो जब हम सारे जने एक विचार के स्लेव हैं, सब कुछ शुरू होती है एक विचार पर, तो अगर हमारा विचार हमारे ऊपर हावी है, तो ये सारी चीज़ें जो गुरुदेव ने हमें बताई हैं, ये सारी मानसिकता के ऊपर आधारित है। अगर हमारी मानसिकता बदलती है तो ये सब चीज़ बदलती है, अगर हमारी मानसिकता बदलती नहीं है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी बात हमारे लिए एक सूचना है, ये खबर है, ये एक नॉलेज है, ये एक मे बी ज्ञान भी है, लेकिन मानसिकता नहीं बदली तो ये सब कुछ हमारे लिए एक दूसरे को सुनाने के लिए एक माध्यम है, हमारा नॉलेज है। अरे बड़े तुमको मालूम है, सारा बड़ा ज्ञान है, लेकिन करते क्या हो, क्योंकि मानसिकता नहीं बदली। इसलिए ये ऐसे जब समागम होते हैं जिसकी मानसिकता बदलती है, जिसको कहते हैं बिहेवियरल, जिसमें जिसका बिहेवियर बदलता है, क्योंकि जब तक बिहेवियर नहीं बदलता ये सारी चीज़ें सूचना ही रहती हैं। अब हमको ये प्रश्न पूछना है अपने आप से कि क्या हम यहाँ सूचना लेने आए हैं कि यहाँ बदलने आए हैं? अगर तो सूचना लेने आए हो तो सूचना की भी कोई कमी नहीं है। आज कोई भी टेलीविजन प्रोग्राम ले लो, कोई अखबार ले लो, आसपास की इन्फॉर्मेशन ले लो, आपको प्रॉब्लम्स नज़र आती ही रहेंगी। वो अलग बात है कि इस तरीके से संग्रहले तरीके से आपको नहीं मिलेगी, एक प्रेरणा के तरीके से नहीं मिलेगी, लेकिन इधर से जाने के बाद अगर फिर भी हमने वही करना है जो हम पहले करते आए हैं, और हमने खुद अपने में ढोला नहीं, ढूंढा नहीं कि मैं गलती क्या करती आई या करता आया, और मुझे बदलना है कि नहीं बदलना, और बदलने के लिए भी बड़ी लंबी जर्नी है, मुझे पहला कदम कौन सा उठाना है, क्योंकि बहुत वो भी बड़ी लंबी जर्नी है, जैसे खाई बड़ी बड़ी हो चुकी है जो इन्होंने बताया, हमारे लिए भी बदलने के लिए बहुत बड़ी जर्नी है। वो जर्नी के लिए कोई हेलीकॉप्टर ने तो उठा के हमको वहाँ बैठाना नहीं है, एक सीढ़ी है जो कदम कदम पर चलती है। दैट मीन्स एक एक मानसिकता, एक एक सोच
बदलते बदलते व्यवहार बदलता है, एकदम तो व्यवहार बदलता नहीं, हैबिट बनने के लिए समय लगता है। हैबिट इज अ प्रैक्टिस ऑफ आइडियाज, प्रैक्टिस ऑफ राइट थॉट्स। जब एक विचार हम चलते रहते हैं तब जाके वो आदत बनती है, और आदत फिर व्यवहार बदलता है। व्यवहार है क्या, कैरेक्टर है क्या, ये एक कलेक्शन ऑफ हैबिट्स है। जब हैबिट ही लालच की पड़ जाए तो कुछ भी चीज लालच नजर आएगी। जब हर चीज में मुझे बिजनेस ही करना है तो शादी भी बिजनेस ही बनेगा। जब हर चीज में हमको धंधा ही करना है तो शादी भी, जब इतनी जबरदस्त एक रिश्ता है वो भी एक ट्रांजैक्शन और बिजनेस ही बन जाएगा। और उसके बाद शादी के बाद हर मौका एक बिजनेस बन जाएगा। बेटी हो तो बिजनेस, विवाह फेस्टिवल हो तो बिजनेस, खुशी का मौका हो तो बिजनेस, दुख का मौका हो तो बिजनेस। समाज में हर चीज पर वो बिजनेस बन जाता है। कौन क्या लाया, कौन किसी ने क्या दिया, मैंने किसी को क्या दिया, मुझे क्या मिला। सो जब तक हमारा सोच नहीं बदलेगी तो मुझे यही कहना है कि अगर मैं उसी थॉट को, उसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करूँ जो हमारे गुरुजी ने बताया, तो मैं कहूँगी कि आज यहाँ से जाने से पहले हमको अपना ये सोचना है कि मेरी मानसिकता क्या है और मुझे क्या वो मानसिकता बदलनी नहीं चाहिए, और क्या मेरी मानसिकता ही ये समाज को नहीं बढ़ावा दे रही प्रॉब्लम को, क्या मैं भी अपनी मानसिकता एक समुंदर में अपनी नदी नहीं डाल रही गंदी या स्वच्छ। अगर स्वच्छ है तो मेरी वजह से ये समाज बचा हुआ है, और गंदा है तो मेरी वजह से ये समाज गंदा है, मुझे अपनी जिम्मेवारी लेनी होगी। आज ये है सवाल कि अगर, और कोई इधर किसी को पूछ नहीं रहा कि अरे तू कौन सा है, तू तो अच्छी अच्छी साफ नदी है कि गंदी नदी है। हम सबको अपने आप से पूछना है कि मैं कौन सी नदी हूं, गंदी कि अच्छी। अपने आप को रेट करो, गंदी, अच्छा तो फिर गंदी तो मैं उधर क्या करने गई थी आज गायत्री मंडल में, और मैं क्या सुन के आई, क्या समझ के आया, और सोने से पहले क्या गंदगी मैं थोड़ी सी शुरुआत कर सकती हूँ, चल झाड़ू ही ले लूँ कहीं से, शुरू करूँ कहीं से, एक बाल्टी ले लूँ और पोछा ले लूँ शुरू करने से, ताकि मेरा पानी वो गंदी नदी का थोड़ा सा तो स्वच्छता शुरू हो, क्योंकि मैंने आज गायत्री मंत्र भी तो जपा है, थोड़ा सा तो स्वच्छ होना होगा। लेकिन क्या वो गायत्री मंत्र मेरे विचार को साफ किया कि जाते ही लालच फिर पड़ गया। सो ये सवाल आएगा सिर्फ मानसिकता पर। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है इसकी कोई कमी नहीं है, और ये रोज रोज एक बड़ी भयानक तरीके ले जा रही है। इसलिए मैं आपको यही कहूंगी कि हम लोग सब अपनी अपनी थॉट के प्रोडक्ट हैं। जब मैं हम लोग चार बेटियां, मेरे माँ बाप की चार बेटियां हैं, हमारा कोई भाई नहीं था, और मेरी माँ एक धार्मिक घर से आई थी और बहुत पढ़ाई में बहुत लायक थी, और उसने अपने संस्कार लेके आई थी मेरे पिताजी के घर, अपनी पुस्तकों से, धार्मिक पुस्तकों से, और अपनी पढ़ाई की विद्या के से, और बड़ी छोटी उम्र में, उन दोनों में आपको याद होगा कि शादी हो जाती थी, तो लेकिन छोटी उम्र में इतने गुण विद्या के लेके आई थी मेरे बाप के घर। और मेरे पिताजी का घर एक बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड का घर था, बड़े सारे उनकी जायदाद थी, बहुत फैक्ट्रियां चलती थी, अमृतसर में सबसे अमीर आदमी जाने जाते थे, पेशावरिया धर्मशाला चलती थी, पेशावरिया के नाम से मशहूर थे, बहुत प्रॉपर्टीज थी, लेकिन पुरुष प्रधान परिवार था। मेरे पिताजी का प्रधान परिवार एक बहुत पुरुष प्रधान था। मेरा दादाजी करता ही थे, बहुत जबरदस्त, सब कुछ उनके हाथ में था, सबका एक कंबाइंड किचन था, किसी हर बच्चे को पॉकेट मनी मिलती थी, पॉकेट मनी में जो मर्जी कर लो, क्योंकि खाने पीने में कोई खर्चा नहीं है, किचन कॉमन था, सब जने एक ही तरीके की रोटी खाते थे, और दादाजी रोज क्लब जाते थे, क्लब में जितना मर्जी खर्चा करें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मेरी माँ उन संस्कारों के साथ मेरे एक पिताजी के घर में पुरुष प्रधान पिताजी के यहाँ, और देखा उस वक्त मेरे नाना ने क्या देखा, बहुत बड़ा घर है, मेरी बेटी बड़ी सुखी रहेगी, इसलिए मेरी बेटी को मेरी माँ को उस घर में भिजवा दिया। जब मेरी माँ उस घर में आई तो हैरान हो गई, इतना पुरुष प्रधान घर है परिवार। और जब हमको स्कूल भेजने का समय आया, हम बड़ी बेटियां एक के बाद जब दूसरी हुई, तो मेरी माँ और बाप ने फैसला किया, तब तक तो उनकी पॉकेट मनी चलती गई, जब तक मेरे माँ बाप का हम बेटे बच्चियाँ नहीं आई तब तक मेरे माँ बाप के लिए पॉकेट मनी काफ़ी थी। उस पॉकेट मनी में वो हर गर्मी में मसूरी छुट्टी भी मना लेते थे, शिमला वो लाहौर में पिक्चर भी देखने चले जाते थे, सब कुछ था।
लेकिन जब बेटियां आ गई तब खर्चे बढ़ने लगे, और पहली बेटी को जो मेरे से बड़ी बहन, जो मेरे माँ बाप ने स्कूल फैसला किया कि मैंने अपनी मेरी बेटी को स्कूल, मैं मानसिकता के पर ही बात कर रही हूँ, ये कहानी सुना रही हूँ केवल साबित करने के लिए मानसिकता, कि मानसिकता ही प्रबल है। अगर ये कहानी आपको याद रहेगी तो आप बहुत कुछ ले जाएंगे आज के सत्संग से। तो मेरे माँ बाप ने फैसला किया कि मेरी बहन को, जो मेरी पहली सिस्टर, मैं नंबर दो पर थी, कि इसने शशि ने, शशि उसका नाम है शशि, कि कौन से स्कूल में भेजना है। तो मेरे, हमारे घर के बाहर भी एक स्कूल था जो मुफ्त में था, शायद एक आना फीस भी नहीं होगा, एक रुपया भी फीस नहीं होगा, बिल्कुल पास में स्कूल था। और एक स्कूल था 15 किलोमीटर दूर शहर के बाहर, अमृतसर के बाहर, उसका नाम था सेकढ़ाट स्कूल कॉन्वेंट। तो मेरे बाप ने फैसला किया शशि सेकढ़ाट स्कूल में जाएगी। मेरे दादा ने बुलाया, प्रकाश इधर आओ। हाँ हाँ जी पापा जी। तुझे पता नहीं प्रकाश, ये स्कूल यहीं पर है, पास में है, इतनी दूर स्कूल में भेजने की क्या जरूरत है। ये स्कूल मुफ्त था या एक आने की फीस थी। वो स्कूल में 20 रुपया महीना, उस दिन, उन दिनों में, मैं 1955 की बात कर रही हूँ, जो मेरी बड़ी सिस्टर 1956 में स्कूल में गई, पहली सिस्टर, उन दिनों में वो 20 रुपये था, आज वही 2000 या 3000 या 5000 होगा, वही 20 रुपया। तो प्रकाश जी, पापा जी, शशि को वहाँ भेजने की, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, ये है ना स्कूल, इधर भेजेगा, भेजोगे। तो पहली बारी मेरे पापा जी ने मेरी माँ के सामने पापा जी को बोला कि पापा जी, अभी तक तो आपने मेरे जीवन के हर फैसले पर आपने ही फैसला किया और मैंने उस फैसले को कबूल किया, लेकिन मेरी बेटियों का फैसला आप नहीं करेंगे, मेरी बेटियों का फैसला आप नहीं करेंगे, मेरी बेटियों का फैसला मैं ही करूंगा। मेरी माँ मुझे समझा सुनाती थी, देख जो बच्चा पढ़ता नहीं उसको ऐसे जाना पड़ता है, और मुझे भी 24 घंटे भी मेरी पढ़ाई के लिए कम हो जाते थे, मुझे डर था कहीं ऐसे ना मुझे जाना पड़ जाए। किसकी मानसिकता थी, किसकी मानसिकता थी, मेरे माँ बाप की, मेरी नहीं, माँ बाप की, ये बीज उन्होंने बोए। कौन कहता है नारी यहां समाज की बदल नहीं सकती, कौन कहता है नारी कोई को यहां छेड़ जाए, कौन कहता है नारी किसी से निर्बल है या कमजोर है, कौन कहता है नारी किसी पुरुष से कम है, कौन, वही कम है जिसके माँ बाप कमजोर है, वही कमजोर है नारी, वही बेटी कमजोर है जिसके माँ बाप कमजोर है नारी, वही कमजोर है जिसके टीचर कमजोर है, ये दो हैं जमीन के, उसके बाद सब सारा समाज आता है। जब बच्चा गोद में होता है, लड़की गोद में होती है, क्या कान में सुनती है, जब स्कूल में जाती है टीचर से क्या कान में सुनती है, वो उसकी शक्ति बनती है। तो क्यों नहीं हम सब मिलके ये प्रण लें कि हम नहीं अपनी बेटी को कमजोर होने देंगे, पहले तो अपनी बेटी को वेलकम करेंगे, उसको कहेंगे हमारे घर में दुर्गा आई है, साथ में लक्ष्मी को भी लेके आई है, सो दुर्गा भी आई है और लक्ष्मी भी आई है, और इसको हम सरस्वती भी बनाएंगे, सो तीनों रूप आई है, और बड़ियों के जब लायक बनाएंगे तो काली चंड बनेगी, देखेगी कैसे अपराध होता है समाज में, ये ऐसी बेटी है जो चारों रूप देंगे उसको। मेरे माँ बाप ने तो मुझे चारों रूप दिए, चारों रूप दिए, मुझे मालूम है, जब मुझे उसने यूनिफॉर्म पहनाया तो कहा चल चढ़ इन करप्ट लोगों के ऊपर, इन क्रिमिनल्स को पकड़ ले, ये मुझे मेरे माँ बाप ने यूनिफॉर्म पहना, जब मुझे टेनिस खिलाया, ऐसे थोड़ी टेनिस खिलाया, खिलाया इसलिए कि जा जाके स्ट्रांग बन, मैं पतली सी छोटी सी कमजोर सी थी, लेके टेनिस पे के खेल जाके टेनिस, भूख लगेगी खूब खाएगी, और साथ में खूब साइकिल चला के जाती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता लड़का छेड़े या न लड़का, जैसे लड़का छेड़ता था मैं उसको छेड़ती थी, मुझे अंतर ही नहीं था कि मुझे छेड़ क्यों रहा, मैं सोचता था वो मेरे से शैतानी कर रहा है, मैं उसके साथ शैतानी कर ली, कभी वो मार खाता था कभी मैं मार खाती थी, दोनों मार के वापस आ जाते थे। अरे मार, मारना भी तो सिखाया छोटे होते, मार खाना भी सिखाया, लेकिन मारना भी सिखाया, सिर्फ नहीं मार खाना रोते हुए सिखाया, हाँ मारा, मैंने भी मारा, ये क्या हुआ मार खा के घर में आ गई, मुझे माँ बाप ने कभी नहीं कहा था मार खा के घर आ जाना, हाँ ठोक के आना वापस। किसकी मानसिकता थी, माँ बाप की, और माँ बाप में भी माँ की, माँ के साथ साथ बाप की, कभी बाप की कभी माँ की। लेकिन मैं बता दूं, जिस घर में
200% मानसिकता होती है ना, 200%, माँ की 100%, बाप की 100%, वो बेटी बनती है 500%। और उसके बाद जब समाज को भी देखती है ना आंखों से ठीक से, और समाज को भी तंदुरुस्त करने लगती है, तब वो बनती है अब्बल, और तब वो पुरुषों को भी अब्बल बनाती है, क्योंकि उसके लिए सारा समाज बहुत जरूरी है चलना। वो फिर पुरुषों के साथ कोई अन्याय नहीं करती, वो समाज के साथ न्याय करती है, क्योंकि समाज के साथ प्रेम करती है। तो मेरे साथियों, ये समागम में एक चीज लेके जाना कि हमको अपनी मानसिकता को ढंडोचना है, कि मेरी मानसिकता समुद्र में पानी जल को गंदा कर रही है कि स्वच्छ कर रही है। अगर कहीं वो पोल्यूट कर रही है तो मैं क्यों नहीं पहले पोल्यूशन गंदी सफाई करनी शुरू करूं, और ये क्यों इंतजार करूं दूसरे भी सफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हो सकता है दूसरा भी आपको ही देख रहा हो कि पहले तुम तो नहीं सफाई कर रहे। जब आपकी बेटी की शादी हो तो कह देना हम बेटा ले रहे हैं और बेटी दे रहे हैं, ये कोई बिजनेस नहीं है, हमको प्यार मोहब्बत और इज्जत और मान चाहिए, हमारी बेटी को सम्मान चाहिए और हमको इस बेटे से पूरा इज्जत और मान चाहिए, हमको एक स्नेह का रिश्ता चाहिए। उसके बाद आपके आपको अगर बच्चे को सिक्योरिटी देनी है तो उसको सिक्योरिटी दे दो जो मर्जी, लेकिन कोई भूखा मांगेगा तो ऐसी बेटी बनाओ जो कोई अब बाहर का रास्ता जा दूसरे रास्ते और ढूंढ, मैं बिजनेस में नहीं हूं। ऐसी बेटियां पैदा करो ना, मजा ले कि कोई ऐसा लड़का घुस जाए कभी भी कुछ डर के भी बोल दे ये ले आना। ये सारी मानसिकता है। हम बेटियां अपने माँ बाप के प्रोडक्ट हैं, जो भी आज की बेटी है वो माँ बाप की प्रोडक्ट है। लेकिन अगर 15 साल पहले नहीं आपने बीज बोया पर फिर वो आपकी प्रोडक्ट नहीं है, लेट प्रोडक्ट नहीं है। जैसे एक पौधे को अगर आपने सही बीज सेलेक्ट नहीं किया, सही परवरिश नहीं की, उसकी रूट्स को अच्छा नहीं बनाया, उसको सही खाद छोटे होते नहीं दी, अपनी मर्जी से वो पौधा शक्ल ले लेता है। बाद में प्रूनिंग करते हो बहुत लेट है, शक्ल वो ले चुका। लेकिन अगर एक पौधे को शुरू से ही उसको प्रूनिंग करते करते, खाद देते देते, उसकी सुरक्षा करते करते बड़ा करते हो, वो वही शेप लेता है जो आप चाहते थे, और वो इतना सुंदर फल देता है, जो जितना फल देता है उतना और फल बढ़ता है। बेटियां सारी ऐसी हैं, बेटे भी ऐसे ही हैं, मतलब बच्चे ही ऐसे हैं। इसलिए मुझे ये भी प्रार्थना करनी है आपको गुरुजी कि ऐसे समागम केवल टीचर्स के लिए भी करो, केवल माँ बाप के लिए भी करो, टीचर्स के लिए भी करो, और एक तरह की प्री मैरिटल काउंसलिंग के प्रोग्राम भी करो। एक कभी बहुओं के लिए ही करो, एक कभी सासों के लिए करो, कभी दादियों के लिए करो, कभी दादाओं के लिए भी करो, क्योंकि दादी दादाओं के भी बड़े रोल्स हैं, जो कहती मरने से पहले पोते की शक्ल तो दिखा दो। तो इसलिए ये बहुत ज़बरदस्त ज़रूरी है कि हम लोग आपके समागम और रूप ले जाएं। तो आपने मुझे इतने प्रेम से सुना, मुझे एक ही शब्द उसको सार में यही कहना है कि जो भी हमको इतनी आज कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन मिली है, इससे ज़्यादा हमको विस्तार से समझाया कभी नहीं इतना आसानी से जाता, लेकिन क्योंकि हम समझ गए हैं तो ये सारी चीज़ अमल कैसे करेंगे, अमल करेंगे अपनी अपनी मानसिकता बदलने से और अपने बच्चे को एक सपना देने से। अपने बच्चे को अपना सपना दो कि बेटे मैं तुझे देख रहा हूँ ऐसा बच्चा, पुरुष लड़का हो या लड़की, जो कल की एक देश का सुरक्षक बनेगा। तू देश का सुरक्षक, अरे माँ बेटी को मैं सुरक्षक, मैं कोई पुलिस थोड़ी बनने वाली हूँ, तो तू भी सुरक्षक बनेगी, तू भी समाज की सुरक्षक, एकदम उसमें एक बल आने लगेगा, अरे मैं भी स्ट्रांग हूं, उसमें स्ट्रेंथ के स्ट्रेंथ के टीके लगाओ ना लड़की में, जिम्मेवारी के टीके लगाओ लड़के में, और लड़की में ताकत के टीके लगाओ। लड़के में जिम्मेवारी का टीका जरूरी है और लड़की में ताकत का टीका जरूरी है। और टीके होते हैं शब्द, टीके होते हैं वातावरण, टीके होते हैं कर्म, टीके होते हैं प्रदर्शन, टीके होते हैं रोल मॉडल्स, टीके होते हैं ऐसे सत्संग, टीके होते हैं किताबें, टीके होती हैं अच्छी फिल्में, टीके होते हैं अच्छे फोरम्स, अच्छे टीचर्स, अच्छे प्रोग्राम्स, अच्छी एजुकेशन, अच्छे टीचर्स, ये होते हैं। सो लड़के में लगाओ जिम्मेवारी। आज इस देश में
ज़रूरत है लड़कों को जिम्मेवार ज़्यादा बनाने की, और लड़कियों को जिम्मेवारी तो उनके जन्म से ही आ जाती है, उनको बहादुर बनाने की। और फिर देखो एक समाज में कैसा बढ़िया संतुलन आएगा, दोनों जिम्मेवारी भी निभाएंगे और वो ताकतवर भी होंगे, बहादुर भी होंगे। बहादुरी और जिम्मेवारी दोनों जब जुड़ेगी, एक महान चरित्र बनेगा इस देश का। और आज जो भी जनरेशन आ चुकी है वो हमारी जनरेशन, हमारा ही प्रोडक्ट है, ये ब्रिटिश प्रोडक्ट नहीं है, ये ब्रिटिश प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारा प्रोडक्ट है। ब्रिटिश प्रोडक्ट, जो ब्रिटिश का प्रोडक्ट था हमको तो आजादी देकर गया, जो ब्रिटिश टाइम के प्रोडक्ट था वो तो आजादी देकर गया हमें, भूल गए हो? जितने हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं वो ब्रिटिश राज में ही तो पैदा हुए थे, ब्रिटिश राज में उन्होंने एजुकेशन ली थी, ब्रिटिश राज में उनकी पैदाइश हुई थी और परवरिश हुई थी, भूल गए हो? हम हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रोडक्ट। और हमारी ये जो नई जनरेशन ऑफ लड़के लड़कियां हैं, जो लड़ी नई सास बहु क्लैशेस हैं, और जो लड़के नए ईव टीजर हैं, ये अंग्रेजों के टाइम के नहीं है, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस है, हम लोगों की औलाद है। तो हम लोगों ने कैसी बढ़िया जनरेशन पैदा की है ना, और ये अंग्रेजों की ट्रेंड टीचर्स नहीं है, ये हमारे ही बीएड से और पीएचडी से आए हैं, तो कैसी एजुकेशन हमने दी। तो मेरे से कई बार टीवी पे पूछते हैं कि ये कैसे बच्चे, कैसे क्यों ये टीजिंग कर रहे हैं, तो मैंने कहा जैसे पैदा करेंगे वैसे ही होंगे ना। ये वो जनरेशन है जो सड़कों पर ही पैदा हो रही है, जिसको माँ बाप को पता ही नहीं कौन सी पढ़ाई पढ़ रहा है, कब दोस्त कौन है, कितने पैसे ले गया है, कब शराब पी कर आ रहा है, किसको छेड़ के आ रहा है, और कब जेब काट गया किसी की। इन वो लोग जो पेरेंट्स को मालूम ही नहीं है, और टीचर्स को मालूम नहीं है, पास तो भी करना है क्योंकि 50% अटेंडेंस हो गई तो भी चलेगा। दिस इज दैट जनरेशन। और ऐसे माँ बाप हैं कहीं को पता ही नहीं कितने बच्चे थे, वो भी हिंदुस्तान हमारा है ना, जिनके पता ही नहीं बच्चों को, माँ को कितने बच्चे हैं। सो ये हिंदुस्तान है ना, पूरा डाइवर्सिटी का, इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो इसको किसको दोष देंगे? इसलिए आओ मिलके मानसिकता को बदलें, आओ अपने बच्चों को एक सपना दें, जैसे सपना मेरे माँ बाप ने दिया था मुझे। मेरे माँ बाप ने यही सपना दिया था कि जाओ बड़ी होके तू अपने समाज में परिवर्तनीय काम करो, अपने जीवन में मेक द डिफरेंस, ग्रो अप टू मेक द डिफरेंस इन योर लाइफ ऑन डेली बेसिस। सो जाओ ऐसा रोज काम करो जिसमें वो परिवर्तन लाए तुम्हारे जीवन में भी और दूसरों के भी जीवन में, आसपास के जीवन में भी। इसलिए उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने मुझे बनाया, क्योंकि उनको पता था दिल्ली में बड़ी जल्दी परिवर्तन आने वाला है, और सबको परिवर्तन पसंद नहीं है, सबको परिवर्तन भी पसंद नहीं है, ये भी मानसिकता है ना, स्टेटस को सूट करता है। चेंज बड़ा डिफिकल्ट है, स्टेटस को सूट करता है, क्योंकि हम चेंज के यूज हो चुके हैं। कईयों को चेंज बड़ी कंफर्टेबल है, इसलिए जैसा है वैसा ही रहो बस, क्योंकि अगर एक व्यक्ति है ही परिवर्तनीय और जब गलत चीज या सही नहीं होगा उसको बदलेगा, तो किसी ना किसी को तो आराम हैरान होगा ना, हैराम आराम, हाँ हराम होगा ना, और हैरान भी होंगे फिर कि क्या करें, तब तक तो नियुक्ति हो चुकी होगी। तो इसलिए अपने अपने बच्चों को खूब बढ़िया सपना दो, कानों में बोलो बेटा तू मेरा सुरक्षा बढ़ के मेरे देश की सुरक्षा करेगा, मैं फौज में जाऊंगा, हाँ जा जा फौज में, अरे फौज का दिमाग में तो डाल दो, जाए या ना जाए कम से कम सोल्जर तो बनेगा, जवान तो बनेगा, हाँ तू देश की सुरक्षक बनेगी। मम्मी मैं तो लड़की हूं, हाँ तू भी क्यों नहीं, तू सुरक्षा जब मांगती है तो दूसरे की सुरक्षा नहीं कर सकती, एकदम उसमें एक नया गश ऑफ ब्लड आएगा ना, कि तुझे तो भाई को साथ ले जा, तेरा ध्यान रखेगा, क्यों मम्मी मैं नहीं भाई को ध्यान रख सकती। तो जब ऐसा जवाब ऐसी ऐसी बातें कहोगे, हाँ दोनों इकट्ठे जाओ एक दूसरे का ध्यान रखना, तब मैं बात मानू, इकट्ठे जाना, क्यों जाना, क्योंकि तुमको एक दूसरे का ध्यान रखना है, ताकि तुम रास्ता, तुमको एक दूसरे की हेल्प चाहिए होगी ना, कभी ना बोलो लड़की को कि तुझे भाई की हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि फिर वो बाद में पति की हेल्प मांगती है। किसी पर डिपेंडेंट नहीं बनाओ, सब मानसिकता है, और ये मानसिकता
माँ बाप की देन होती है। जो भी लड़कियां आज अपने पाँव पे खड़े होके कुछ बन गई हैं इस समाज में इस वक्त, वो सब अपने माँ बाप की देन है। और मैं आपको ये भी गारंटी कर दूं, जो कल भी बनेंगी वो माँ बाप की ही देन होगी। इसलिए माँ बाप कहीं भी चले जाएं, वो उनके माँ बाप सदा ही अमर रहेंगे। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि आप ऐसे माँ बाप बने जो एक ऐसा समाज बना के दे इस देश को, जहाँ हर बेटी बेटा बोले मेरे, मैं शुक्र है भगवान का मुझे ऐसे माँ बाप मिले जो भारतवर्ष में पैदा हुए। धन्यवाद। हम लोगों ने अभी अभी किरण जी को सुना और मुझे एक पंक्ति याद आती गुरुदेव की, बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है, दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है। ये गुरुदेव की पंक्ति है और ये दृष्टिकोण बदलने का कार्य विचार क्रांति अभियान के माध्यम से चल रहा है। हमारे मिशन का एक नारा है, हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो एक हाथ उठाकर सबको संकल्प देना है, साक्षी देना है और एक प्रकार से प्रमाण देना है किरण बेदी जी को कि इस मूवमेंट में हम इस माँ बाप के नज़रिए को बदलने में और हर व्यक्ति के नज़रिए को बदलने में हम आपके साथ हैं। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हाथ उठा के बोलना है हम बदलेंगे। अब जो हाथ नहीं उठा के लगेगा हम बदलने को तैयार नहीं है। हाथ उठाइए, हम बदलेंगे हम सुधरेंगे। बहुत डायनेमिक विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी को। आपने आज इस कार्यक्रम के लिए जो समय निकाला, अपने अमूल्य समय में से जो समय हमें दिया, वो निश्चित रूप से हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर गुरुशरण सिंह जी से, श्रद्धेय डॉक्टर साहब को, और श्री हंस जी हमारी आज की प्रमुख अतिथि श्रीमती के उषा जी को। एक बात है, कभी कभी सवाल पैदा होता है कि ये दिल भी मेरा समींदर था, ये दिल भी मेरा समींदर था, सिर्फ प्यार का पानी था उसमें, मगर आज वो तूफान उठ आया है, सागर को पता नहीं किनारा किधर है, मगर बिना तो मत इसलिए नहीं जुड़े। और एक बात है, जो पति ने मेरे को छोड़ दिया, पहली बार मैं ये बता देती पहले ही कि जो पति ने मेरे को छोड़ दिया, मैं पेट से थी, 9 महीने की गर्भवती थी मैं, मेरे पति ने मेरे पेट पे बहुत मारा था, मैं बेहोश हो गई थी, कुछ नहीं था मेरे पास, मैं मर गई ऐसा उसको लगा कि मैं मर गई, मैं बेहोश थी, मरी नहीं थी। उसने मेरे को खींचते खींचते गैया के गोठे में लेके डाल दिया। क्यों डाला गैया के गोठे में? उनको ऐसा लगा आदमी ने मारा ऐसा नहीं होना चाहिए, गैया ने मारा ऐसा सिद्ध होना चाहिए, इसलिए मेरे को डाल दिया। गैया भी बेबीजे है ना, गैया भी बेबीजे है भाई। मेरे को जो गाय के गोदे में डाला वो गैया के तबेले में डाला। जब मेरे को होश आया, मैं बेहोश थी, खिसते खिसते ले गए थे मेरे को मेरे लोग, मेरे रिश्तेदार। मेरी पीठ फटी थी, ब्लाउज फटा था, ध्यान में आया था कि मेरे को खिसते खिसते लाया। रात को मेरे को जाग आई, तब मेरे को मालूम पड़ा कि अरे मेरा पेट भी खाली हो गया, बेहोश में मेरे को लड़की पैदा हो गई थी, लड़की, लेडीज फर्स्ट। मेरे को लड़की हो गई थी, देखो मैं पहले मैं भी पाई हूँ भी लेडीज, लड़की हो गई थी। मगर एक बात है ना, ये कल्पना नहीं है, किसकी कहानी नहीं, मेरी है। जब मेरे को होश आया तब मेरे ध्यान में आया कि मैं गया के गोठे में हूँ, गया के तबेले में हूँ, और वो तबेले वाली एक गाय काऊ बोलते इंग्लिश में, तुम काऊ, वो गाय मेरे आंग पे खड़ी थी, उसके पीठ के नीचे मैं थी, और वो मेरे को संरक्षण दे रही थी, पूरे गैया को हटा रही थी, उसको मैंने छोड़ा नहीं, और उन्होंने भी मेरे को छोड़ा नहीं, इसीलिए ये संस्था बन गई, इसीलिए मैं अनाथों की माँ बन गई। जानबूझकर मैंने कुछ नहीं किया, मेरी ताकत ही नहीं थी कुछ करने के लिए, जो हो गया वो मेरे को भी मालूम नहीं कैसा हो गया। मगर एक बात है, मेरा दिल जिंदा था, दिल जिंदा होना चाहिए। जब मैंने बच्चों को साथ में लिया और भीख मांगने लगी, रात को मैं स्टेशन में बैठी, नारी जाति को बहुत तकलीफ होती है, बहुत अड़चने आते हैं, बहुत प्रॉब्लम है। मैं रात को जब स्टेशन पे बैठती तब मेरे को मर्दों की बहुत भीती लगती है, अरे
लगता था मेरे को कि सिंधु ताई सरकार तो एक ही बरस की है, अभी तेरे को दो आदमी ने उठा के ले गए तो तू तो कैसे बचाव करेंगे और तेरे लिए कौन आएंगे, मेरे को किसकी ने डर किसका ने डर लगता था, आदमी का लगता था। फिर मैं एक कर गई, जो भिखारी थे ना जिसको मैं खाना खिलाती कौन से भी स्टेशन पे, नए नए रिश्तेदार मिलते भिखारी के देश में, मगर होता क्या मालूम है कि वो खाने के बाद फटाफट सो जाते, वो ओरिजिनल भिखारी फटाफट सो जाते, मैं डुप्लीकेट भिखारी मेरे को नहीं नहीं आया थी। और फिर मेरे को डर लगता था अभी क्या होगा, सुनता है सबका तेरे रिश्तेदार को बोले। फिर मैं एक करके बाबा मैंने जीना है ये सब, मैं जी लिया, मैं बच्चे को लेती और घबरते घबरते वहां से उठती इधर उधर देखती, और जहां रेलवे स्टेशन होते ना उसके पास गांव होता है और गांव के स्मशान होते हैं, स्मशान जहां पर मुर्दों के लोग जलाते हैं ना वो उसका स्मशान बोलता है, जहां मुर्दे जलाते हैं वहां मैं जिंदा मुर्दा पहुंच जाते हैं बच्चे को लेके। भूत का मेरे को डर नहीं लगता, आदमी का डर लगता क्या कर सकते। वहां बैठने के बाद रात होती थी ना तो लगता था कि क्या सिंधुता है सबका तेरा जिंदगी, एक दिन नहीं मिला भिक्षा, दूसरे दिन में नहीं मिला, तीसरे दिन में नहीं मिला, फिर डर गए मैं अभी मरना चाहिए बस। और जब मैंने मरना सोचा तब ये चमत्कार हो गया, मैं अभी मरना चाहिए ऐसा बोले रही थी कि बच्चे को लेके मरना चाहिए, उसको पीछे नहीं रखने का, कौन संभालेगा उसको, नहीं आप मरे डूब गई दुनिया बस खत्म फुल स्टॉप जिंदगी को, मैं ऐसा सोच सोच के चल रही थी मरना चाहिए। और इतने में मेरे को ध्यान में आया कि मेरे सामने तो एक प्रेत यात्रा जा रही है, मैं जिंदा होकर मरना चाहती हूँ, मर गया है अरे चल थोड़ा थोड़ा जरा सवाल देते हैं उसको जितना है ना, मैं पीछे पीछे जा रही थी और मेरे ध्यान में आया ये लोग मेरे को मार डालेंगे, कौन भाई है पहचान नहीं कुछ नहीं आती क्यों, और यानी बच्चे है उसके पास क्या हो रहा है ऐसा, कोई है तो नहीं इधर उधर का, डर लगा मेरे को मैं डर गई। वो लोगों ने प्रेत यात्रा मिलते देते यानी प्रेत यात्रा लेके चलते चलते माफ करना ज्यादा हिंदी नहीं आता, एक जगह वो ठहर गए प्रेत को नीचे रखा, और हमारे उधर एक प्रथा है प्रेत यात्रा वो स्मशान तक जाने से पहले वो रुकते हैं बीच में रखते हैं रोते हैं और कोई डालते हैं वहां आशायाम परम दुखम, भगवत गीता ने बोला है मेरे को आशा थी ये कोई डालेंगे डालेंगे, और सच्ची उन्होंने विषमा दिया और ये ओंजड़ भर पीठ यानी इतना सा पीठ और 100 रुपया डाला उसने, मेरे को भूख बहुत भूख लगी थी सच्ची बताओ, आदमी कभी खराब नहीं होता, पेट की भूख खराब होती है बाबा, पेट की भूख खराब होती है वो आदमी को बदल देती है। मैंने वो डाला हुआ पीठ उछाला उछला मेरे पल्लू में बांधा, वो 100 रुपया भी मैंने लिया, और राह देख रही थी मैं कि ये लोग कब चले जाए, प्रेत का टपोरा फूट गया लोग चले गए, और मराठी में हमारे शरद भट्ट की दो लाइनें हैं, इतके चमला जाता ना सरणा वर कड़ले होते, मरनाने के लिए सुटका झगड़ने छड़ले होते, मी एक टाचा द्या रात्री आशेने देवत होतो, मी विझलो तो मा सारे आकाश उजळले होते। सुरेश भट्ट घेतला मी श्वास जेव्हा कंठ होता कापलेला, फोडलेला प्राण माझा बोलण्या आधीच गेला, जीवनाची प्रेत यात्रा थांबली जेव्हा स्मशानी, घेतला काढून खांदा ओळखीच्या माणसाने, ओळखीचं जेव्हा खांदा काढून अरे रिश्तेदार ते मदत चले गे ना मेरे को छोडकर, जलना प्रेत को आता है आदमी को नहीं, वो जलने के लिए सलाते हैं जला देते हैं चले जाते हैं, वो चले गए थे पेट जल रहा था मैं वहां गई मेरे पास पीठ था और पेट में भूख थी, ऐसा टाइम कोई भी बाइक पर ना आए इसलिए मैं कहा मैं स्मशान में गई प्रेत जल रहा था रिश्तेदार चले गए थे और वो लोग आखिरी ऐसे घूम घूम के वो जो एक मड़का होता है वो डाल देते पीछे से, वो फूटता या नहीं फूटता कोई देखते नहीं थे पीछे घूम के नहीं देखते, एक मड़का फूटा था मगर वो ऐसा एकदम उल्टा पड़ा फिर सुलटा हो गया, उसके ऊपर वाले कार्ड फूट गए मगर नीचे वाला वैसा ही था और उसमें पानी था, कौन से भगवान को मेरी दया है। मैंने वही फूटे हुए मड़के के वो टकुरे में वो ये टुकड़े पे मैंने पीठ भिजाया वही से पानी लिया, इतनी सी बात भी हो गई। प्रेत के निखारे थे वो जल रहा था ना उसके निखारे खींचे,
इसके ऊपर मैंने इतनी सी बातें इधर उधर की भुनी खाई बाबा। अभी जिंदगी में बहुत खाना मिलता है मगर वो जो टुकड़ा मैंने खाया उसकी जो कभी आई नहीं बाद में कभी आई नहीं बाबा, इसका नाम भूख है भूख। वो खाने के बाद मैं वही बैठे रात भर क्योंकि मेरे को बहुत ठंड लग रही थी और पेट जल रहा था। उसका जो भक थी ना आग थी अच्छी लग रही थी, अच्छी लग रही थी मैं, मेरे को अच्छी लग रही थी, ठंडी लग रही थी, आँख पे कुछ कपड़ा नहीं था, एक ही साड़ी थी। सच्ची बताओ कभी ऐसा नहीं हुआ। उस दिन हुआ जिस दिन मैंने पीठ खाया ना भाकरी का ही पीठ बना के, उस दिन एक हुआ रात में 5:50 कौवा होता है ना कौवा काला, वो कौवा जैसे 5:50 पक्षी आ गए और वो मेरे को धड़ाधड़ मारने लगे, टोचने लगे मेरे को। वो जवाब मेरे को सवाल कर रहे थे कि मरने के बाद खाने का अधिकार हमारा है, तुम अभी तक मरीज नहीं, तुमने हमारा कायदा भंग किया है, खाया कैसा तुमने, किसके आदेश से। और मैं डर गई, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा बच्चा भी मरे, उसको भी लग जाएगा ना पंख या टोच। इसलिए मैं जोर जोर रो रही थी। क्यों रो रही थी मालूम, मेरा थोड़ा सा मतलब था क्योंकि मेरे को गाँव दिख रहा था, मेरे को ऐसा लगता था मैं जब रहूँ ना तो गाँव वाले आएंगे। आदमी थे ना, क्या मालूम आदमी मरे हुए भी होते हैं, आदमी थे। मैं जोर जोर से रो रही थी क्योंकि दो चार जन आएंगे और मेरे को बोलेंगे अरे रोना मत भाई, की जाता है रोना मत, हम तेरे को सहकारी करेंगे, हम वो पक्षु को हका लेंगे। मगर मेरा आवाज सुन के रोने का बहुत लोग घर के बाहर निकले और हर एक को हुक्म देने लगे अरे तुम्हारा जो लड़के है ना अंदर उसको झाक डालो अच्छा, और अच्छा अच्छा तरीके से वो दरवाजा बंद करवा, मशान में भूत रो रहा है आज, जरा वो काळजी घ्या, तकलीफ हो रहे हैं आज, कुछ अलग दिन है क्योंकि मशान में भूत रो रहा है, तुम्हारे बच्चे अच्छे सब झाक लो, भाई को अंदर करो और अच्छे तरीके से दार बंद करो। मेरे को सुनने में आ रहा था कि वो लोग हुक्म दे रहे थे, पूरा गांव बाहर आया, पूरा गांव अंदर गया, सब गुनगुन के सो गए, मैं रो रही थी। उस दिन मैंने स्मशान छोड़ा, नहीं तो कुछ नहीं होता था। मैं वो पक्षी की अभी आभार मानती, उन्होंने मेरे को टोचा मारे नहीं होता, तकलीफ नहीं दी होती तो मैं अनाथ होकर माँ कभी नहीं बनती बाबा, कभी नहीं बनती। और एक बात है, मैं बाहर हो गई स्मशान के बाहर, फिर स्मशान में कभी नहीं गई। फिर 3 साल मैंने भीख मांगी, 3 साल भीख, कुछ नहीं था ना मेरे पास, साठे महीने व्याधि तो आते गए भरा। फिर 3 बरस मैंने भीख मांगी, मेरी बच्ची छोटी थी ना, मगर 3 बरस मैं सोच रही थी सिद्धू नहीं सबका तेरे को जीना हो तो एक काम करो ना, एक बच्चे लेके बाहर पड़ी है, अनेक बच्चे की माँ हो तो देखो ना हो सकता है, सोचो तो। मेरे को वो अच्छा लगता था कि यह क्या बात है। और अंदर का जो आवाज आता है ना वो मेरे को आता है, उस टाइम मेरे को आवाज आता था और बोलता था कि सिंधु भाई सबका तेरे को दूसरों की माँ होना है तो खुद की बच्ची साथ नहीं रखना, मगर क्यों मेरी है ना इसीलिए नहीं रखना क्यों, पर मेरा अंदर का आवाज मेरे को बोलता था इसका कारण है, तू दूसरों की बच्चे संभालेंगे और खुद की बच्चे भी रखेंगे ना तो अरे तेरे पास कुछ नहीं, 2 मस्तक 3 मस्तक एक दिन ऐसा आएगा खाने को कुछ नहीं होगा, तब तू जो संभाले हुए अनाथ बच्चे ना उसको गाना गा के खाना यानी पानी पिला के सुलाऊंगी और खुद के बच्चों को अंधेरे में लेके खिलाऊंगी। तू नहीं गलती करते रे, तेरी माँ चुक सकते है, माँ ऐसी होती वो गलती कर सकती है। मेरे को वो समझ में आया कि सही बात है। फिर मैंने 3 बरस की 3 साल की मेरी बच्ची पुणे की जो ट्रस्ट है श्रीमंत कपूर से ढलवाई गणपति ट्रस्ट उसको मैंने दे दिया, कलेजा तो फटा तकलीफ तो हुई सगी माँ की ना, उसको मैंने दे दिया और प्रतापराव गौड़ से अध्यक्ष उनके हाथ पर संकल्प छोड़ा पुष्कर्पण, हमारे बच्चे आप संभालिए सर, मैं आने को कि बच्चे संभालूंगी क्यों, मगर मैं बोली मेरे को दूसरे की माँ होना है ना, मेरे बच्चे की माँ हुई तो मेरी माँ गलती कर सकते हैं, अंधेरे में खिला सकते हैं, इसीलिए आप रिश्तेदार बन जाए ना इतना करो। उन्होंने लिया मेरी बच्ची, उन्होंने बीए तक पढ़ाया मेरे बच्चे को, एमएचडब्ल्यू पतंगराव कलने करके दिया जो अभी महसूल मंत्री है महाराष्ट्र के, और मेरी बच्चे अभी एक बच्चे की माँ हो गई। परसों मेरे को यानी उसको पूछा कोई लोगों ने कि ममता तेरे को क्या होना है, मेरे बच्चे ने बोला मेरे को मेरी माँ की माँ होना है, बस मेरी माँ की माँ ये होना मांगता है, मैं हो गई। इसलिए मैंने नदी से दुख देखा
सुख देखा, आवेग बात देखा। आदमी जब बड़ा होता है तो बहुत कम पास में आते हैं, जब कोई नहीं होता तो कोई पूछते नहीं बाबा, इन्हें दूध से मुंह जलाना तो ताक भी जरा फूक फूक से पीना ऐसा होता है कभी कभी। इसलिए मैं बता देंगे, ठीक है मैं अभी बड़ी हो गई, चार दिनों में मेरी संस्था है, अनाथों की माँ हूँ मैं, इतने जवाय आ गए और एक चमत्कार हो गया, जीना मिलता है मर्द जैसे। हम मर्द नहीं का, हम कमजोर है ना, बिल्कुल नहीं। अभी देखो ना मेरे को 72 पुरस्कार मिल गए और मेरे ससुर वाले माहिर वाले मेरे पास आ गए सत्कार करने के लिए। भाई क्या बात है, हमारी कॉलर कार्ड है सत्कार। मैंने तो पहचाना नहीं, एक जन बोला नमस्ते मैं तेरा भाऊ, मतलब भाऊ तो भाऊ 50-50 खाऊ। एक जन बोला भाई मैं तेरा मामा, मतलब लेट कामा रहा ले। एक जन मतलब भाई मैं तुझा चुलस सासरा, मतलब विदाउट आसरा ऐसे कहता। मेरे को ऐसा लगता था कभी कभी कि पति के घर जाना है अपने को, उसका देखना है क्या धड़ाधड़ चल रहा है, मगर अंदर से आवाज आती थी कि है सिंधु तय सबका, अरे भाइयों ने या लेडीज ने स्वाभिमानी होना चाहिए, अभिमानी नहीं। तेरे को छोड़ दिया रे, अभी लेने के लिए आए तो जाना, नहीं तो नहीं, बिल्कुल नहीं, खत्म हो गई वो दुनिया। और मेरे को 500 मिला मनमोहन सिंह के हस्ते, मेरे को आनंद भाई पुरस्कार लता मंगेशकर के हस्ते मिला, मेरे को सावित्री भाई फुले गोपीनाथ मुंडे उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, मेरे को अहिल्या भाई होलकर मुख्यमंत्री विलास राव देशमुख पुरस्कार बहुत मिले, मगर फाइव फाउंडेशन पुरस्कार, मेरे को पंजाब का लुधियाना का पुरस्कार मिला वो KPS गिल साहब के हस्ते, मगर ये जो पुरस्कार मिला फाइव फाउंडेशन मनमोहन सिंह के हस्ते, तब वो वित्त मंत्री थे, अभी प्रधानमंत्री है, उनकी भी प्रगति है नहीं क्या। अरे वो पुरस्कार मिलने के बाद ये लोग आए मेरे को मिलने, क्या बात है, हमारी कॉलर काट है, हमने जीना सीख ले आए, और बुलाने के वास्ते आए तो क्यों नहीं जाओ, आस्ते कदम लेफ्ट राइट बिफोर टाइम पतीचं घर। मी गेले ना सत्कार माझा, किती जमाना बदलतो बघा, जुरमुळ्या वाजत होत्या, स्पीकर लगाया था, बहुत आवाज था, बहुत लोग मेरे को मिलने आए थे, और कुर्सी पे पति बैठे थे मेरे, यानी स्टेज पे मेरा सत्कार, पति स्टेज पे, 22 बरस हो गए मिलने से, और लोगों ने मेरे को परिचय दिया, मैंने पहचाना च नहीं मेरे पति को, मैंने पहचाना च नहीं, लोगों ने मेरे को बताया माई ये आपका पति, मतलब हारी मेरी अधोगति। अरे जीना हो तो ऐसा जियो, मैंने जीना सीख लिया, मैंने उसकी तरफ देखा, आंख में आंख डाल के बोला नमस्ते, उन्होंने खाली झुक के बोला नमस्ते, क्या बात है, झुक गया आसमान और हमारा सम्मान, हमने को है कि नहीं। मगर एक बात है, मेरे को उस दिन ना भाषण ही नहीं आता था, पूरा मेरा भाषण कैंसिल हो गया था, मेरे को भूतकाल टकोरे में पूरा भूतकाल भरा था, वो लड़के का वो पत्थर से नाल तोड़ना, वो गाय हमरना, वो भूख लगना, वो सब ने हकाल देना, पीछे से पत्थर मारना, सब मेरे को याद आ रहा था। मैं भाषण नहीं कर सकी उस दिन, मगर गा सकी, ज्ञानपीठ विजेते विंदा करंदीकर हमारे महाराष्ट्र के कवि है, उनकी चार ओड़ी चार लाइनें मैं गा रही थी, और पति को पूछ रही थी विंदा के शब्द से कि क्यों छोड़ा मेरे को, तब छोड़ा और अभी सत्कार कर रहे, कितना बदलता है जमाना, मैं हूँ ना, और मैं गा रही थी सर्वस्व तुझ लावा होने माझा घरी में पाहुने, घर मेरा मैं पाहुनी, क्या हो रहा है, घरदार ये ते खावया नसते स्मृति ना का दया, अंधार हो तो बोल का वेड्या पिशा स्वप्ना तुने। खर सांग प्रत्येकाला आपल्या आयुष्यात मालकम साळवायचा असतो, प्रत्येकाला आपल्या आयुष्यात मालकम साळवायचा असतो, पण भैरवी कधी सुरू झाली कळतच नाही बाबा, भैरवी कधी सुरू झाली कळतच नाही, जमली तर प्रीती आहे लक्षात घ्या, जमली तर प्रीती आहे संपलं तर प्रेत आहे, जमली तर प्रीती संपलं तर प्रेत, काना मात्रा वेलांटी उकार बदलतात, शब्द जागा सोडत नाही,
आणि मी पतीला विज्ञानच्या शब्दात विचारत होते काय चुकलो माझं हा सत्कारता संसार मी करीते मुका तुम्ही सोडलं मी संसार नाही सोडला मैं जिंदी हूँ मेरा संसार जिंदा है संसार मी करीते मुका दाबू न माझा संसार मी करीते मुका दररोज मी जाते सती दररोज मी जाते सती आज्ञा तुझी ते मानुनी सर्वस्व तुझला वावनी माझ्या घरी मी पाहुनी माझा सत्कार संपला मला लई गुदमरायला लागलं कारण आदत नाही थी ना अच्छी अभी तो दुख का इतना 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 सराव हो गया कि सुखी एलर्जी होने लगी मेरे को मैं उड़ गई चलने लगी और मेरे पति मेरे पीछे पीछे आने लगे मेरे ध्यान में आया अरे बाप रे ये अपने पीछे आ रहे धोखा बचाओ मगर बीच बीच की गर्दी इतनी बढ़ गई पति उधर मैं इधर बीच में गर्दी उसको मेरे पास आने चले दिया और एक बात हो गई बहुत गाड़ी आई थी मेरे लिए अभी मेरे को नई गाड़ी मिल गई हाँ फलटन के राजा ने दी मेरे को गाड़ी अभी बहुत लोग मेरे को मेरी काळजी घेते अभी आणि उस टाइम लोगों ने गाड़ी लाया था मेरे को लेने के वास्ते जो गाड़ी सामने है वो गाड़ी में बैठी यही यही एक टप्पा है बिगड़ने का या सुधरने का मैं गाड़ी में बैठी है और मेरा ध्यान गया मेरे पति झाड़ की फांदी पकड़ के रो रहे थे पति जोर जोर से रो रहे थे और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था वो रो रहे थे मेरे को अच्छा लग रहा था मगर थोड़ी देर भाई का कलेजा कैसा होता है माँ का कलेजा कैसा होता है ये बात है थोड़ी देर वो रो रहे मैं अच्छी अच्छी महसूस कर रही मेरे अंदर से आवाज आई चुपते सिंधु था सबका खर संग उन्होंने छोड़ा नहीं होता तो तू इतना बड़ा होता उन्होंने छोड़ा इसलिए ये घड़ा रे उन्होंने तेरे को छोड़ दिया इसलिए तो तू मां बन गई हजारों की नहीं तो कौन पूछता था तेरे को उसका आभार मान हम माफ करते हैं इसलिए हमको माउली बोलते हैं माउली का कलेजा कोरोना नहीं चाहिए पत्थर नहीं होना चाहिए वो माउली रहना चाहिए माफ कर रही तो ताकत अपने पास है और मैंने सोचा कि चलो माफ करते हैं मैं गई उसके पास उसका जो झाड़ का हाथ था ना वो मैंने पकड़ा मेरे पास लिया हाथ में लिया थोड़ा सा दबा के लिया मतलब बहती गंगा है घा हाथ धुन बाद में नो चांस और इतना बड़ा ट्रीटमेंट देने के बाद वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे रो रहे थे मैं बोली व्याजा सकट रड़ा नो फिकर नो प्रॉब्लम बोल लो मगर मैं बोलने के बाद रोना नहीं है मेरे को थोड़ा सा बोलना है मेरे बोलने के बाद आप रोए ना तो आपके आंसू में मेरे शब्द बह जाएंगे रे बाबा पहले वो रोना धोना करो बाद में सुनो मैंने उनको बताया कि आपने छोड़ दिया फिर भी मैं माँ बन गया ना थोके और सरनेम तो आपका ही देती मैं सबका जिसका नाम नहीं उसका मेरा नाम वो आपका है पूछने बगैर नाम देती क्या करूँ इतना तो अधिकार है ना मगर अभी क्यों रोते आप नाम मालूम है मैं आपके घर से गई आपने हक कर दिया तब मैं रोती आज आपके आंगन में आई तो आप रोते कितना जमाना उल्टा हो गया ना मैं रोती उस दिन आज आप रोते क्या बात है कोई बात नहीं माफ कर दे अभी मगर पति ने मेरे को बोला कि बहुत हाल है मेरे अभी थोड़ा सा मदद करो पति को ऐसा लगा मैं बड़ी हो गई है मदद करो मेरे पास कुछ नहीं था मेरे पास 100 रुपये थे उसकी ताकत मेरी उस टाइम के 100 रुपये की थी 100 रुपये मैंने निकाले पति के पैर में रखे और पति को बोला ये मेरे को 100 रुपये है ये देती आपके पैर पर रखती और एक बात है आपने छोड़ने के बाद मैंने सौभाग्यवती सिंधुताई सबका कभी भी लिखा नहीं मगर श्रीमती सिंधुताई सबका भी लिखा नहीं एक बात बताऊं मेरा सौभाग्य का वाटने हो गया यानी भाग्य आपने लिया 100 मेरे को दिया 50-50 भाग्य आपका 100 मेरा मैं सौभाग्यवती सिंधुताई सबका कभी नहीं अभी भी नहीं 100 सिंधुताई सबका आपका 100 मैंने लिख के जिंदगी गुजारी ना
सौ सिंधु तय सब कर, इसलिए मैं सौ की नोट आपके पैर पर रखती और आपके सौ से आज मुक्त होती। मेरे को जाना बोलो। और एक काम करो, ये स्त्री जात ऐसी है, क्या करे। इसलिए मेरे को कभी कभी लगता है स्त्री को पैदा करने के वक्त भगवान ने ओवर टाइम किया होगा शायद। सच्ची भगवान ने ओवर टाइम किया होगा, इसलिए तो स्त्री अलग है ना, वो पूरा 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 सहन करते हैं। मैंने पति को बोला एक काम करो, आपने छोड़ा इसलिए मैं बड़ी हो गई, एक काम करना, यहाँ खोखते चित्ते नहीं बैठना, मेरे पास आना। पति को मैंने निमंत्रण दिया, मेरे पास आओ, मैं संभालूंगी, मगर मेरी एक गट है, पति बन के मत आना, मेरे को अभी पत्नी नहीं होता जमेगा बाबा। मगर हमारे राष्ट्र, हमारे संत बोलते हैं तुकाराम महाराज कि पत्नी क्षणाची अनंत कालाची माता है। एक समो मी तुमची आई व्हायला तयार आहे, बाळ बनून याल का? मेरा लड़का बच्चा बन के आई है ना, सेवा की संधि दीजिए ना, मैं माँ बनने के लिए तैयार हूँ। अभी तक राह देखी, पति आए च नहीं, पत्नी के घर पति लड़का बन के जाए, खतरनाक बात है। अभी मेरी संस्था चार जिला में है और पति की जिला में भी संस्था है, जहाँ से पत्थर मार मार के आई वहां से मैंने संस्था शुरू कर दिया। उल्टा उल्टा बहना, अरे पानी के साथ उड़ी मार ली तो पानी लेके चलता है, अरे जरा उल्टा क्रॉस करो, बाद में समझता है जिंदगी क्या है। अभी दो बरस हो गए, मैंने पति को उठा के लाया मैंने, बहुत हाल थे। जब तक गाल पे गोस तब तक यार भी दोस, जब तक गाल पे गोस तब तक यार भी दोस, गाल पे गोस हट जाए तो यार भी तो क्या है, कोई किसी का नस्त है। मैं पतिला पोरना नेलो सोबत गाड़ी काट ली, पोराना संगीतला बाबा ये पार्सल को उठाओ और गाड़ी में डालो, इनके बहुत हाल है। बिल्कुल त्यांना काहीच बोलू देत नाही, उचललं गाडीत टाकलं, पुण्याच्या संस्थेत घेऊन आले आणि पोरांना सांगितलं बेटा एक लक्षात ठेवा, हे माझं सगळ्यात मोठं खतरनाक बाळ आहे बरं का, मी आता यांची आई आहे बरं का, तुम्ही एक करा बेटा, यांनी जर सोडलं नसतं तर तुम्हाला आई मिळाली असती रे, यांनी सोडलं म्हणून हे घडलं बेटा, यांनी तुम्हाला आई दिली, आता तुम्ही त्यांचं गडमोत व्हा बेटा, आता माझे पती मी सांभाळत आहे, थकलेत वयाची पण खूप तफावत आहे ना, पण ते जरा जंगली जनावर आहे त्यामुळे स्ट्रॉंग आहे बघा, पण थकलेत वय, आता मी घरी गेले ना की लक्षात येतं माझ्या, मी रात्रंदिवस फिरते, मला याच्या अगोदर गाडी मिळाली होती, ती 4 वर्षामध्ये 11 लाख किलोमीटर फिरले, रेकॉर्ड ब्रेक, रात्रंदिवस मुक्काम पोस्ट फिरसते, जहाखाना वाहत असते, कारण मी फिरले नाही तर माझ्या लेकरं जेवत नाही, आई हो गई ना, माँ बन गई ना, फिरना तो आहे, खाना तो देना है बच्चों को, माँ हो मैं, और मैंने जन्म नहीं दिया, मैं यशोदा हूँ देवकी नहीं। और एक बात है, पति को मैंने बोला अभी जाती ना मैं घर में, बच्चों को मेरे बच्चे मेरे पति को यानी नहाते नहालाते आंघोळ घालते गादीवर झोपतात वेळेवर खातात आणि मी बोंगलत फिरते, त्या नशीब आहे ना, तकदीर की कम नसीबी थी वह मरकर भी नहीं निकली, तकदीर की कम नसीबी थी वह मरकर भी नहीं निकली, लहत खुदी लोगों ने तो पत्थर की जमी निकली। पति गादीवर झोपतात आणि मी बोंगलत फिरते गाणं म्हणून भाषण करत, पण खरं सांगून पती कधीतरी मला आभार मानायसाठी तोंड उघडतात, त्यांना काहीतरी म्हणायचं असते की जाऊ दे मी चुकलो, त्यांनी तोंड उघडले की मी सांगते आवाज करणे का नाही पिन ड्रॉप आले। अनाथांची माय होता होता पतीची पण माय झालंय बाया हो, याच्यासाठीच भगवंताने आपला जन्म दिलाय, आपण जगूया जगूया, त्याशिवाय पर्याय नाही, जगत राहा रे, मी अनाथांची माय आहे, ज्यांना कोणी नाही त्यांची मी आई। त्यावेळेस मी गठुडा घेऊन स्टेशनवर जायचे तर पोलीसवाले सुद्धा मला ताप द्यायचे, हे बाई इधर नाही उधर बैठो उधर जाओ। आता मी मला मिळालेली 9 लाखाची गाडी टाकते स्टेशनमध्ये, क्या बात आहे, सलामीच आइए आइए क्या चाहिए, नाही बिलकुल नाही, टिंब टिंबरी का मैं जागा भरा, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको हमारे जैसे कोई होंगे तो वो चाहिए। आता पण मी त्यांना उचलून आणते, शोधते माझी गरज कोणाला आहे का, अनाथांची माय होते म्हणून एक लक्षात घ्या, ज्यांना कोणी नाही त्यांची आहे, टाकलेले सोडून दिलेले कुत्र्याने तोडलेले मातीमध्ये पडलेले चिखलाने भरलेले जखमी असलेले मरणाच्या दारात असलेले मी उचलते आणि माझ्याकडे आलेले लेकरं आश्चर्य, म्हणजे मी माझ्या मुलीला दगडूशेठ हलवाई गणपती तसला दिल्यानंतर पहिला मुलगा मी उचलला आणि त्याला हाताला धरून चालवलं। आज परिस्थिती इतकी बदलली की त्याला मी हाताला धरून चालवलं, आता त्या
ज्याला मी हाताला धरून चालवायला शिकलं त्याचं पोरग मला गाडीत बसून पळवते बघा. म्हणून जगा आणि जगू द्या, दिवस उगवतो एका रात्रीचा इंतजार करा. दिवस उगवतो, अंधार जातो, पण अंधाराला घाबरून थांबू नका, एका रात्रीचा इंतजार करा. पहाट उगवणारीच आहे नक्की, थांबणार नाहीये. म्हणून एक लक्षात घ्या, तुम्हाला अशी नशा चढू द्या की जी उतरणार नाही. बाटलीतली पिलेली नशा उतरते, अरे आमचे राष्ट्रसंत विदर्भाचे सांगतात अशी नशा. शेवट करते, अशी नशा चढू द्या. हे मेरे नैनो में आंधी आई, मेरे दिल को दिया भुलाई, किसने तारी चढ़ाया अपने डाल के माया, मेरे नैनो में आंधी आई, मैं ध्यान लगाता था मेरे श्याम सलोने से, मैं फूल चढ़ाता था मेरे मन के मन ही से, आज करने न पाया आया प्रकाश आया, किसने मीठी धुन बजाई, किसने तारी चढ़ाया अपनी डाल के माया, मेरे नैनों में आंधी आई. आज आपल्याला नशा चढणं गरजेचे आहे, न उतरणारी नशा. आमच्या राष्ट्रसंतांना चढली होती यह नशा, यह नशा भाई भारी मेरे रग रग में छाई, आंखें खोल के देखा देखा प्यारा ये दूर आई, खुशी दिल में नमाए पागल बन मन के गाए, कहता टुकड़ा रंग रंगाया, किसने तारी चढ़ाया अपने डाल के माया, मेरे नैनों में आंधी आई. ही नशा चढ़त असते चढ़त असते उतरायचं नाव घेत नाही, लक्षात घ्या. म्हणून सबलीकरणाची नशा, स्त्रियांना सबलीकरणाची नशा बाबांना चढली, कभी उतरणे की नाही. अनाथांना सांभाळण्याची नशा, कभी उतरणे की नाही. भुकेल्यांना दोन घर देण्याची नशा, कभी उतरणे की नाही. जिसको कोई नाही उसको बनने की नशा, कभी उतरने की नहीं. इसलिए मैं अनाथों की माँ बन गए, आज इधर तक आई. जीना तो है, चलना है, चलते रहना है बोला, अपना काम चलते रहना है. आप भी चलते रहो, चलते रहो. बाबा के पास आए थोड़ा दुख हल्का हो गया. इसलिए अपन हर एक के लिए अच्छा अच्छा जीना मनता है. आपको गरुड़ मारू ना का गरुड़, कावळ मराठीत सांगते थोडस, कावळे आणि चिमण्या नुसतं उडतात, कावळे आणि चिमण्या नुसतं उडतात, झेप घेणारी औलाद गरुडाची असते. आणि गरुड जेव्हा आभाळात झेप घेतो तेव्हा त्याला नियती बाण मारत असते, त्यावेळेस मात्र जखम करुळात बसायचं नाही. म्हणून बाबांना सांगते पांडे बाबा, साहेब गरुडासारखं उडत राहा, आम्हाला त्याची गरज आहे. तुम्ही गरुडासारखं उडा, पण हे काम करताना शक्य आहे नियती तुम्हाला बाण मारेल, ती दबा धरून बसलेली असते चांगल्या कामासाठी. ज्यावेळेस नियती बाण मारेल त्यावेळेस जखम कुरवळ्यात बसू नका, जमलं तर चार दोन पिसं गाळून टाका, नवे उगवतील, पुन्हा उडायला शिका. पण पावलांच्या तशा कुठे उठू देऊ नका, हम आपके साथ है, आप हमारे है. जय हिंद, जय भारत. सिंधुताईने इतनी अच्छी अच्छी हिंदी कविता सुनाई, मुझे तो नहीं आती, पर एक लाइन सुनाता हूँ. लोगों ने मेरा कंगूरों भरा, कंगूरों से बना बड़ा महल देखा, लोगों ने मुझे गुलाबों से लदा हुआ देखा, पर किसी ने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा. लगभग लगभग ऐसे ही दुख भरी आवाज सिंधुताई की है. अंदर कितना दुख था वो आज उन्होंने अपने सामने हम सबके सामने रखा. न जाने कितनी बार कहा होगा, न जाने कितनों को रुलाया होगा. आज ऐसा लग रहा है कि वास्तव में मुझे सबसे ज्यादा कमी आज सिंधुताई ये लग रही है कि मुझे मराठी क्यों नहीं आती अच्छी तरह से. आती थी, कभी इंदौर में रहता था उस समय पढ़ता था, आती थी, पर इतनी अच्छी तरह नहीं आती इतनी अच्छी तरह आप बोलते हैं. सिंधुताई को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे बीच में आकर अपना दिल खोल करके, कमिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, व्हाट एवर शी हैज स्पोकन इट इज कम फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, एंड दिस फीलिंग कैन नॉट बी, यू कैन नॉट गेट फ्रॉम एनीवेयर. आपको कहीं किसी लेक्चर में, किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी गुरु के मुँह से नहीं सुनने को मिलेगा जो सिंधुताई के मुँह से सुनने को मिला है. ये है राजपूत. बैंक ऑफ बड़ौड़ा की महिलाओं की एक विंग बड़ौड़ा शक्ति बनाई हुई है, और उस बड़ौड़ा शक्ति की सचिव के रूप में श्रीमती कल्पना मुखर्जी हमारे बीच में हैं.
ये ऑर्गेनाइजेशन 2 साल पहले हम लोगों ने शुरू की थी एंड ये बैंक ऑफ बड़ौदा के जितने एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी वाइफ्स ने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था। बैंकिंग इंडस्ट्री में शायद ये पहली बार हमने वैसे ऐसा कुछ पढ़ा तो ये नहीं है, लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री में ये शायद पहली बार हुआ है कि विमेन जो हैं एग्जीक्यूटिव्स की वाइफ्स जो हैं उन्होंने एक ऐसी संस्था शुरू की जो कि सोशल सोसाइटी में कुछ करना चाहती थी। वैसे तो शायद स्टेट बैंक और अन्य बैंकों में ऐसी छोटी वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि कैलामिटीज जब होती हैं तब मीट करती हैं और कुछ सोसाइटी में जाके काम करती हैं, लेकिन हमने ये संस्था जो 2 साल पहले शुरू की थी ऑन अ रेगुलर बेसिस एवरी मंथ हम कुछ ना कुछ काम अपनी तरह से कुछ ना कुछ काम हम सोसाइटी में जाके करते हैं। ऑफकोर्स हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, हम बॉम्बे बेस्ड नहीं हैं, जैसे कि आपको मालूम है बैंकिंग जो बैंकिंग इंडस्ट्री में सारे ट्रांसफरेबल जॉब्स पे होते हैं, तो हम बॉम्बे स्थित नहीं थे, हमें कंस्ट्रेंट्स थी कि आज हम यहाँ हैं कल हम ट्रांसफ़र होकर चले जा सकते हैं, लेकिन डिस्पाइट ऑल कंस्ट्रेंट्स हमने अंडर आर चेयरपर्सन सीएमडी वाइफ मिस कंदना कुंडेलवाल हमने ये सोचा कि कुछ ना कुछ, वैसे तो हम मीट करती हैं लेडीज मीट होती हैं कि डिपार्टमेंट होती हैं, वो ना करके हम हर महीने एक बार मीट करें और सोसाइटी में जहाँ थोड़ी सी भी काम हो या थोड़ा सा भी अपनी तरह से जो भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो शुरू किया जाए, इनवाइट देम ट्रेन देम एंड सो दैट दे कैन सेल व्हाटएवर दे क्रिएट एंड दैट वी मेक एन इंडिपेंडेंट एंड डिग्निफाइड लिविंग। सो वी बीन डूइंग दिस ऑन अ कंटिन्यूड बेसिस एंड होप to continue this good work in the times to come. Thank you. और व्यासपीठ पर बैठे हुए सभी अतिथिगण और मेरी बहनों भाइयों, आज मैं आप लोगों को कहा है दो ही शब्दों में कहना है, दो ही मिनट में बोलना है, लेकिन मैं एक छोटी कविता आपको ज़रूर सुनाना चाहती हूँ। ये कविता हर स्त्री के लिए है, हर स्त्री इस दुनिया की, इस विश्व में जितनी स्त्रियाँ, हर स्त्री के लिए यह कविता है। एक्चुअली ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के लिए है, लेकिन मैं कहती हूँ महिला शक्ति का ही रूप है, उन्हें कोई क्या सशक्तिकरण करेगा, वो खुद शक्ति हैं। तो ये वो स्त्री शक्ति के लिए कविता है। खोली आँखें इस संसार में, खोली आँखें इस संसार में, तब से सुनती आई हूँ एक बात, खोली आँखें इस संसार में, तब से सुनती आई हूँ एक बात, तुम संसार पर एक बोझ हो, माता पिता का कर्ज हो, समाज का एक दर्द हो, तुम हो नारी जात। जन्म से मृत्यु तक तुम एक अबला हो, जन्म से मृत्यु तक तुम एक अबला हो, पिता की छत्र में पलना, पति के पीछे चलना, पुत्र की दया पर मरना, यही तुम्हारा कर्तव्य, यही तुम्हारा जीना। और हाँ एक और सुनो हे नारी, जन्म तुम्हारा इन आज्ञाओं हेतु पालन हेतु है, ना करने पर समाज के किसी कोने में घुट घुट के जीना या फांसी लगा लटकना है। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, धिक्कारता है मन मेरा, मैं कौन हूँ, धिक्कारता है मन मेरा, हे पुरुष आज दिखाती हूँ तुझे सत्य स्वरूप मेरा। मेरे भाइयों मुझे माफ़ करना, ये किसी पर्टिकुलर पुरुष के लिए ऐसा नहीं है, ये सारे समस्त पुरुष जाति के लिए है। मैं कौन हूँ, धिक्कारता है मन मेरा, हे पुरुष आज दिखाती हूँ तुझे सत्य स्वरूप मेरा, आज तू मुझे जान ले, मेरा अनोखा रूप देख मुझे तू पहचान ले। मैं हूँ अम्बा की परछाई, मैं हूँ अम्बा की परछाई या काली का अवतार, मैं हूँ अम्बा की परछाई या काली का अवतार, सारा जगत पूजा करके करता जय जयकार। मैं थी ऋग्वेदों में मैत्री, मैं थी ऋग्वेदों में मैत्री जिसने वेदों पर विवाद किया, मैं थी ऋग्वेदों में मैत्री जिसने वेदों पर विवाद किया, मैं थी वह जिजाबाई जिसने स्वराज्य को जन्म दिया, मैं ही लड़ी मर्दानी झांसी की रानी बनकर, मैं ही थी वो अनारकली जिसने प्रेम के लिए जीवन त्याग किया। मैं महिषी का रूप हूँ, मैं ममता की छाया हूँ, मैं अग्नि की ज्वाला हूँ, मैं प्रीति की बरसात हूँ, मैं हूँ सरिता की कलकल जिससे तूने चलना सीखा, मैं हूँ सरिता की कलकल जिससे तूने चलना सीखा, मैं पर्वत की ऊंचाई जिससे तूने चढ़ना सीखा, मैं सागर की गहराई
जिसने तुझे गंभीर बनाया, मैं ही वो पुरवाई जिससे तूने गाना सीखा, मैं ही वो धरती हूँ, मैं ही वो धरती हूँ जिस पर तू उगाया है, मेरी ही उंगली पकड़ तूने पहला पग उठाया है, मैं ही वो धरती हूँ जिस पर तू उगाया है, मेरी ही उंगली पकड़ तूने पहला पग उठाया है, इस 6 फुट शरीर पर तू गर्व न कर, हे पुरुष इस 6 फुट शरीर पर तू गर्व न कर, इसे तो मेरे आंचल के दूध ने ही बनाया है, इस 6 फुट शरीर पर तू गर्व न कर, इसे तो मेरे आंचल के दूध ने ही बनाया है, तेरे जीवन का संपूर्ण राज आज तू जान ले, हर यश के पीछे छिपी कोई स्त्री पहचान ले, आदि से अंत तक तुझे स्त्री का ही साथ था, कोई तो एक बात बता जहाँ तू स्त्री विरहित था, और हे पुरुष तुम क्या थे, तुम क्या हो, तुम्हारा झूठा अहंकार संजोया मैंने, तुम्हारा पाशवी अत्याचार सहा है मैंने, उफ न किया अब तक, उफ न किया अब तक, पर जानो मेरी बात, मन में मैं तुम पे हंसती हूँ, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं यह मैं खूब जानती हूँ, और इसीलिए बार बार मैं तुमसे कहती हूँ, मत कहो मुझे तुम नारी जीवन, हाय तेरी यही कहानी, आंचल आँखों में, आँचल में है दूध और आँखों में पानी। ये हुई कविता के बाद, लेकिन मैं थोड़ा 2 शब्दों में अपना परिचय करा दूं। मैं प्रभा विवेक शिंदे, महिला तकरार निवारण केंद्र पोलिस जोन की हूं। ये मिस्टर रिबेरो की एनजीओ है, उसके मिस्टर रिबेरो जो एक्स कमिश्नर थे, पुलिस कमिश्नर थे बॉम्बे के, उन्होंने ये एनजीओ की, मैं केवल महिला तकरार निवारण केंद्र की कोऑर्डिनेटर हूँ, आपके पोलिस जोन 6-7 की अध्यक्ष हूँ। इसके साथ ही विवेक एजुकेशन फाउंडेशन जो बच्चों के लिए हर महीने 50,000 तक डोनेशन देता है, गरीब बच्चों की पूरी फी भरता है, उसके लिए हमें काफ़ी प्रयास करने पड़ते हैं। आज सुबह किरण बेदी जी ने कहा कि आप अपने बच्चों को सपना दीजिए, और मुझे लगता है कि उनकी जो बातें हैं जो शायद मेरे मन में भी थी, मेरी एक ही बेटी है और उसे बहुत ही डरपोक सी थी, बहुत ही डरने वाली थी, पूरी मेरी फैमिली वेरी हाई क्वालिफाइड फैमिली थी, लेकिन मेरी बच्ची सबसे पीछे थी, पढ़ाई में बहुत वीक थी, वीक थी कहने के बजाय मतलब वो बहुत लाडली थी और पैम्पर्ड थी, और इसके लिए वो ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं थी, उसे पढ़ाई से बहुत डर लगता था, कहती थी किसने मैथ्स बनाया, ये किसने इतने सारे कैलकुलेशन बना दिए हैं, वो पढ़ना नहीं चाहती थी आगे, स्कूल जाने के लिए बहुत रोती थी, लेकिन आज वो एयर इंडिया में पायलट है, एक 22 साल की लड़की है वो, और आज एयर इंडिया में पायलट है। जैसा कि मैंने उसे बताया कि तू क्या कुछ भी कर सकती है, तुम अपने खुद को जान लो, अपने बच्चों को आप यदि कहते हैं, उनका पोटेंशियल आप बताते हैं, इसी तरह से मैंने अपनी इकलौती बेटी को कहा कि तुम खुद को पहले पहचानो, तुम्हारे में है पोटेंशियल, कहती मेरे को तो कुछ मैथ्स वगैरह आता नहीं है, फिजिक्स में मैं बहुत वीक हूँ, मैंने कहा तुम पढ़ पाओगे, तुम 33% भी लेके आओ लेकिन तुम पास हो जाओ, क्योंकि एक क्राइटेरिया है उसका पायलट बनने के लिए, 12th तुम फिजिक्स तक पास हो जाओ। किसी भी तरह से उसको इंड्यूस करती रही, 12th के बाद में मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि उसे हम पायलट बनाना चाहते हैं, उन्होंने क्या क्या पागल हो क्या, वो कैसे पायलट बनेगी, उसको पायलट कैसे बना सकते हैं, वो तो डरपोक है, वो पढ़ाई में अच्छी नहीं है, मैथ्स बेस में एकदम वीक है, और उसमें फ्लाइंग में तो बहुत कैलकुलेशंस वगैरह लगते हैं, लेकिन मैंने कहा मैं उसकी माँ हूँ, मुझे मालूम है वो क्या कर सकती है, वो ज़रूर करेगी यदि हम उसे सपोर्ट करेंगे, आप केवल फाइनेंशियली उसको सपोर्ट कीजिए। मेरे हस्बैंड भी एयर इंडिया में इनफ्लाइट सुपरवाइज़र हैं, तो इस तरीके से उसको सपोर्ट करके आज वो एयर इंडिया में एक सक्सेसफुल पायलट है। तो ये एक किरण बेदी जी ने जैसा कहा, इसकी मैं एक जीवंत उदाहरण हूँ कि हम अपने बच्चों को यदि हमारी लड़कियों को यदि हम कोई सपना दें और उसे सपोर्ट करें तो ज़रूर आगे बढ़ सकती है। मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ, कोई भी आप में प्रॉब्लम हो, डोमेस्टिक वायलेंसेस हो, हमारे पास बहुत केसेस आती हैं, मेरे ख्याल से महीने में 50 केस आती रहती है, हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग करते हैं, हमारे यहाँ जैसे लॉयर लोग हैं उनसे भी हम लोग एडवाइस लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि हर मामला प्यार से सुलझाया जाए, हर कोई महिला अपनी मैडम जैसी नहीं बन सकती हैं, हर कोई अपना घर छोड़ के नहीं जा सकता है, तो जो भी अपने बच्चों के प्रॉब्लम हैं, जो भी अपनी लड़कियों के प्रॉब्लम हैं, अपने लड़कों के प्रॉब्लम हैं, वो हम लोग घर में ही प्यार से समझा सकते हैं। बहुत एक्सपेक्टेशन होते हैं सबको, जब शादी होती है तो इतना एक्सपेक्टेशन होता है दूसरे से
लेकिन जो लड़कियां पढ़ी लिखी लड़कियां हैं उन्होंने ये भी देखना चाहिए कि उन्होंने जब शादी की है तो जिस घर में की है उस घर की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उस जिम्मेदारी को संभाल के यदि वो नौकरी कर सकती है, वो जिम्मेदारी को संभाल के आगे जा सकती हैं तो ही वो कर सकती हैं, नहीं तो उन्हें वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करके प्यार से वो आगे बढ़ सकती हैं। तो मेरा कहने का सार यही है, टाइम बहुत कम है इस बात के लिए, लेकिन मैं चाहूँगी कि हमेशा ऐसी महिलाओं की गोष्ठियाँ होती रहे, वो हमारे साथ ही कॉन्टैक्ट करती रहें कि किस लिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे हम काउंसलिंग करके ही समझा सकते हैं, ये मेरी राय है। धन्यवाद, इस यहाँ पे मुझे आपने बुलाया और दो शब्द कहने का समय दिया, धन्यवाद गायत्री परिवार को और हिंदी परिवार को, थैंक यू। मेरा नाम प्रतिभा नैथानी है, सेंट जेवियर्स कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ और पिछले 3 साल से मीडिया में जो अश्लीलता और हिंसा दिखाई जा रही है, बल्कि अब तो 4 साल हो गए हैं, जो अडल्ट कंटेंट मीडिया में दिखाया जाता है उसके विरोध में अपनी आवाज़ उठा रही हूँ। मीडिया ने बहुत प्यार से मुझे मॉरल पुलिस का नाम दिया है, वो मेरा मजाक उड़ाते हैं और मैं उनका मजाक उड़ाती हूँ ये सोचकर कि पॉलिसिंग कभी इमोरल तो नहीं हो सकती है ना। मॉरल पुलिसिंग बोलकर हर बात का मखौल उड़ा देना ये उनके लिए बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप बार बार टेलीविज़न पर अधनंगी और कभी कभी पूरी नग्न औरतों को देखते हैं, जब आप बार बार खून खराबा देखते हैं, जब आप गाली गलौज सुनते हैं, तो उसका निश्चित रूप से हमारे मानसिकता पर, हमारे व्यवहार पर बहुत असर पड़ता है। शुरुआत 2003 में हुई जब मैंने लोगों से शिकायत करना शुरू किया, टेलीविज़न पर जब चैनल्स ने पोर्नोग्राफी तक दिखाना शुरू कर दिया, ख़ासतौर से ZMGM ने और साउथ के चैनल्स ने, तो मैं पहले सेंसर बोर्ड के पास गई। सेंसर बोर्ड वालों ने कहा कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये नहीं दिखाया जाना चाहिए, लेकिन हम तो कुछ नहीं कर सकते, पुलिस के पास जाइए। पुलिस के पास गई, पुलिस ने कहा कि बात आपकी सही है लेकिन आप सूचना प्रसारण मंत्रालय के पास जाइए। वहाँ गई, वहाँ किसी तरह की सुनवाई नहीं हुई, तो मैंने हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, तब राष्ट्रपति थे, मैंने उन्हें चिट्ठी लिखकर स्थिति से अवगत कराया और बाकी किसी ने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक रिटर्न जवाब दिया और कहा कि मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं सूचना प्रसारण मंत्रालय से इस बारे में जवाब मांगूंगा। मैं 3 महीने रुकी रही, जब वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया तब मैंने कानून पढ़ना शुरू किया और हमारे देश के कानून के अनुसार पोर्नोग्राफी जो है वो बिल्कुल गैरकानूनी है। हमारे यहाँ इंडीसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स एक्ट है, जहाँ आप किसी भी महिला के शरीर को या उसके चरित्र को गलत तरीके से नहीं दिखा सकते हैं, और पब्लिक में इंडीसेंसी के लिए सेक्शन 292 है, 293 है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे कानून ऐसे थे और सबका लगातार जो है उल्लंघन किया जा रहा था। खासतौर से टेलीविज़न के लिए जो कानून है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि दिन हो या रात हो आप कभी भी उस पर वयस्क कार्यक्रम नहीं दिखा सकते हैं, और कार्यक्रम की परिभाषा है फिल्म, नाटक, सीरियल, टॉक शो, एडवर्टाइजमेंट, फिल्मों का ट्रेलर, गाना, म्यूजिक वीडियो वगैरह। तो यानी कानून अपनी जगह बिल्कुल सही है और ठीक ठाक लिखा गया है, समस्या उसके लागू किए जाने में है। और जब मुझे कहीं से समाधान नहीं मिला तब जाके मैंने मुंबई हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की और उसमें मुद्दा अश्लीलता का था। मुझे बार बार लोग कहते हैं कि तुम अश्लीलता के खिलाफ लड़ रही हो, अश्लीलता की परिभाषा क्या है, और मैं उनसे पूछती हूँ कि आज सारी दुनिया टेररिज्म के खिलाफ लड़ रही है जिसकी अभी तक कोई परिभाषा नहीं है। जो वस्तु परिभाषित नहीं की गई हो उसके विरोध में आप आवाज़ न उठाएं, ये जो है बिल्कुल मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी से मुँह चुराने की जैसी बात होती है। और टेलीविज़न के खिलाफ मैं ज़्यादा इसलिए आवाज़ उठाती हूँ कि आज हमारे हर घर में टेलीविज़न है। लोग मुझे ये भी कहते हैं कि इंटरनेट पर तो इतनी पोर्नोग्राफी है, आप कहाँ कहाँ तक रोक लेंगी। अब देखिए, अगर इंटरनेट की पोर्नोग्राफी की बात करें तो 3 साल का बच्चा कंप्यूटर ऑन कर उस पर कोई पोर्नोग्राफिक वेबसाइट का नाम लिखकर उसको देख नहीं सकता है, लेकिन वो टेलीविज़न आराम से ऑन कर सकता है, उसके चैनल्स बदल सकता है और वो जो देख रहा है उसको आत्मसात भी करेगा और उसके ऊपर प्रयोग भी करेगा। इसलिए मेरी ज़्यादा लड़ाई जो थी टेलीविज़न से थी, और अब तक जो कोर्ट के जजमेंट के कारण जो सुधार हुए हैं वो ये है कि टेलीविज़न से पोर्नोग्राफी चली गई है। जो कुछ दिखाता होगा आपका केबल ऑपरेटर दिखाता होगा, जिसकी आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन में शिकायत कर सकते हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक नया कानून लाने की
के लिए हामी भर दी है, जिसकी मैं बार बार मांग कर रही थी कि टेलीविजन के कानून ज़्यादा स्पष्ट तरीके से लिखे जाएं और एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। प्री सेंसरशिप नहीं, 100 चैनल्स हैं, आप उसको पहले से सेंसर नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जहां जब भी मैं कोई ऑब्जेक्शनेबल कार्यक्रम देखूं तो मैं वहां शिकायत करूं और उस बॉडी को जो है एक्शन लेने की इसका प्रावधान होना चाहिए। और किसी भी हालत में टेलीविज़न पर अडल्ट कंटेंट नहीं दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि सीधा सा उदाहरण मैं आपको ये देती हूँ कि जितना ज़्यादा आप महिलाओं को एक भोग की वस्तु की तरह मीडिया में परोसेंगे, उतनी ज़्यादा रस्ते चलती महिला जो है वो भोग की वस्तु बनेगी। और इसमें सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि जो महिलाएं पैसे कमाने के लिए फिल्मों में या म्यूज़िक वीडियोज़ में या दूसरी जगह कपड़े उतार लेती हैं या जो भी उनकी अपनी आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी जिसको वो कहते हैं वो करती हैं, आम आदमी के हाथ वो तो नहीं लगती हैं। आम आदमी के हाथ वो औरत पड़ती है जो बस में जाती है, जो लोकल ट्रेन में जाती है, जो सड़क में चलती है। और एक मानसिकता जो है वो समाज की जो है वो बदलती जा रही है। महिला है तो उसकी जो सेक्सुअलिटी है वो बाहर दिखनी चाहिए। फिल्मों में महिलाओं का उपयोग इतना ही रह गया है कि वो कम से कम कपड़े पहने, एक आध आइटम नंबर गा दें और बस फिल्मों का उनका काम जो है वो ख़त्म हो गया है। हमारे मनोरंजन की परिभाषा बदल गई, जितना ज़्यादा खून खराबा हो और जितनी ज़्यादा नग्नता हो उतनी फिल्मों को सफल माना जाता है। सो मेरी ये जो लड़ाई है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अश्लीलता के विरोध में गायत्री परिवार भी बहुत आवाज़ उठाता है, मुझे लगता है कि ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि समाज में जो भी गलत हो रहा हो और जिस भी स्तर पर हो रहा हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। स्वस्थ और अच्छा मनोरंजन ये आपका अधिकार है। अगर उसके लिए आप नहीं लड़ते हैं तो आप अपने अधिकारों का हनन कर रहे हैं और अपने आने वाली जनरेशन के अधिकारों का भी हनन कर रहे हैं। और इसके सबसे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं हमारे बच्चे, जो बार बार टेलीविज़न देखकर बहुत सारे अपराध कर रहे हैं या आप बार बार न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ेंगे। इसलिए मैं इस मंच से आप लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ कि अपने अधिकारों के हर स्तर पर उनकी सुरक्षा करना सीखिए, उनके लिए लड़ना सीखिए। और जहाँ हम महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, एक स्वस्थ और अच्छा मनोरंजन ये आप सभी का अधिकार है। मीडिया का साफ़ सुथरा होना हमारे साफ सुथरे समाज की झलक है। जितना गंदा मीडिया होगा समाज भी उतना ही गंदा बनेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं चाहती हूँ कि आप आगे से आप जब टेलीविज़न देखें और उसमें कुछ आप लोगों को ऑब्जेक्शनेबल लगे तो उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं। फिल्मों में इस तरह की अगर कोई चीज़ें देखते हैं तो उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाएं। ये आपका कर्तव्य है और ये आपका अधिकार भी है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा काम सबसे अनप्लेजेंट है क्योंकि सबको काट शट करना पड़ता है। अभी नेक्स्ट पैनलिस्ट सुधा व्यास जी। पहले मैं दो पंक्तियां मेरी मातृभाषा गुजराती में सुनाना चाहूंगी। गगनवासी धरा पर बेघड़ी पाछू वड़ी तो जो जीवन दाता जीवन केरो अनुभव तू करी तो जो गगनवासी। अर्थात हे ब्रह्मा, हमें पैदा करने वाले एक बार आप भी हमारा संघर्षों का इस धरती पर मनुष्य के अवतार में स्त्री के अवतार में रूप धारण करके अनुभव करो तो आपको पता चले कि हमें कितना कष्ट झेलना पड़ता है। उम्र भर संघर्षों को झेलते रहे हैं, दिल में एक नई आश लिए, कभी हम गिरे कभी हम चले हे हमारी प्रतीक्षा सरिता के तट पर। दिल हमारा व्यापक, नज़र हमारी सुंदर, कला हमारी मोहक, हरेक सोच में कभी नब को भी जानकारी नहीं थी, सभी ने चांद देखा अनगिनत सितारों में। जीवन और मृत्यु इन दोनों परिस्थितियों में हमारी सीख एक ही रही है। पैदा किया है हमने मर्दों को, पैदा किया है हमने मर्दों को, हम ही उन्हीं का उद्धार करेंगे, हम ही उन्हीं का उद्धार करेंगे और समाज में नया परिवर्तन लाएंगे। अब जो बेटियां पैदा होते हुए पहले ही पैदा ना हो पाई, जैसे वो हमारे कर्णपट पे कह रही है, वो चांद है मगर हमसे प्यारा तो नहीं, वो चांद है मगर हमसे प्यारा तो नहीं, मेरे कानों ने सुनी है मीठी सी आवाज़, कहीं आप लोगों ने हमें पुकारा तो नहीं, कहीं आप लोगों ने
हमें पुकारा तो नहीं। धन्यवाद। थैंक यू सुधा जी। मैं अभी डॉक्टर शुरेवाला। सिंधुताई, बैठे हुए सभी लोग और सामने बैठे हुए आप सब, वो एक विज्ञापन आता है, बच्चा मैगी मांग बच्चा खाने को मांगता है, माँ कहती है बस दो मिनट। अभी मैं बहुत जल्दी, हालांकि एक महिला के लिए दो मिनट बहुत कम है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ और सिर्फ अपना परिचय मैं लिखती हूँ, बाकी परिचय मेरे पढ़ने वाले समय समय पर आपको देंगे। अभी तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि बहुत सी बातें आपने सुनी, पर सिंधुताई की बात के बाद मुझे लगता है कि आज किसी पैनल डिस्कशन की ज़रूरत नहीं थी। मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। सिंधुताई के रूप में आज महिला सशक्तिकरण हमारे सामने साक्षात साकार खड़ा है और मैं यही कहूँगी कि कभी कोई एक ज़माना था, वो सतयुग था, जब सीता ने एक या दो अग्नि परीक्षाएं दी थीं। आज हमारे सामने सिंधुताई हैं जिन्होंने कि बहुत सारी अग्नि परीक्षाओं अग्नि के बीच से गुजरते हुए वो आज हमारे सामने यहाँ मंच पर खड़ी हुई हैं। हम सब उन्हें प्रणाम कहते हैं। और एक चीज़ और मैं कह दूं कि ये जो एक बार मैं यहाँ थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी और देश विदेश के लड़कों के बीच में हिंदी पढ़ने वाले हिंदी साहित्य पढ़ने वाले बच्चों के बीच में मुझे उनसे बात करनी थी, टॉक देनी थी, तो उन्होंने कुछ बात हुई कि आप क्या चाहती हैं आज देश को, आज विश्व को किस चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। तो मैंने उस समय कहा कि आई थिंक आज पूरे विश्व को एक माँ की ज़रूरत है, और अगर वो माँ सिंधुताई जैसी हो तो क्या बात है। एक चीज़ और मैं स्त्री को लेकर, क्योंकि स्त्री माँ भी है, हाँ सिंधुताई से मैं एक बड़ी कड़ी आपत्ति रखती हूँ। और भी किरण जी चली गई, नहीं तो मैं उनसे भी कहती, और भी बीच में जब जब ये बात चली कि स्त्री को, सिंधुताई मैं आपसे कह रही हूँ कि स्त्री को जियो तो मर्दों की तरह जियो, मुझे घोर आपत्ति है इस पर, क्योंकि स्त्री की तरह जीना भी बहुत बड़ी बात है। जब कभी आता है कि आप कहा जाता है कि चूड़ियाँ पहनकर बैठो, मर्दों को चूड़ियाँ दी जाती हैं, मैंने उस पर लिखा भी है कि क्यों भाई, चूड़ियाँ कमजोरी की कायरता की प्रतीक क्यों मानते हैं हम, और इस पर हम स्त्रियाँ क्यों नहीं खड़े होते। हम अपने स्त्रीत्व को, मैं उस स्त्री को सशक्त मानती हूँ, मैं तब स्त्री सशक्तिकरण की बात मानती हूँ जब हम एक स्त्री के रूप में अपनी गरिमा, अपनी भव्यता, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा स्थापित करें। मेरे सामने जब आती हैं लड़कियाँ या इस तरह की बातें होती हैं ऊंची ऊंची मंचों पर बातें, बहुत अच्छी बात आज सुबह गुरु जी ने कही कि ये हम आके एयर कंडीशन हॉल में बातें करके चले जाते हैं। दो चीज़ें सुबह से मुझे बहुत अच्छी लगी, उन बातों को आगे बढ़ाना है, वो ये है कि वर्कशॉप या इस तरह की बातें जो हैं वो हमेशा आज के यंग पेरेंट्स, युवा अभिभावकों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो समझें कि हाँ उन्हें अपने बच्चे को कैसे शिक्षित करना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या सोचना है, क्या उनका दृष्टिकोण हो। और दूसरी चीज़ है आज के टीचर, बहुत अच्छी बात आज पूरे उसकी उपलब्धि ये है कि हम किस किस रूप में हिस्सेदारी कर रहे हैं इस व्यवस्था के साथ, उस पर हम सबको सोचना है। और महिला सशक्तिकरण की, स्त्री विमर्श की, हमारे साहित्य में बड़ी बातें होती हैं, प्रतिभा जिस चीज़ को समाज में और विज्ञापन में कर रही है अश्लीलता के खिलाफ, मैं उस चीज़ को साहित्य में कर रही हूँ, क्योंकि हमारे साहित्य में भी बहुत अश्लीलता आ गई है। और जैसा कि प्रतिभा ने कहा कि अश्लीलता की परिभाषा करना आसान नहीं है, अश्लीलता महसूस की जा सकती है लेकिन अश्लीलता प्रमाणित नहीं की जा सकती। तो एक चीज़, एक और कि सिमोन दे बुआ क्या कथन आज हमारे हर स्त्री सशक्तिकरण के उसमें दोहराया जाता है, जो कहा जाता है कि वुमेन आर मेड नॉट बॉर्न। मैं एक बात स्त्री सशक्तिकरण की बात जब चलती है तो कहती हूँ कि आज जो हमने स्त्री बनाई है,
हमारी बनाई हुई जो स्त्री आज की है, क्या उसे सब कुछ हासिल हो गया है जो हासिल करने के लिए वो निकली थी? अगर नहीं हासिल हुआ है तो उसके पीछे बहुत से कारण हैं। मुझसे कहा गया है कि आप फिर कभी आइए, मैं फिर आऊँगी और वो अधूरी बातें फिर पूरी करूँगी। अभी तो मैं फिर से आप सबका आभार मानती हूँ, और सिर्फ अपनी हिस्सेदारी के लिए नहीं बल्कि इस देवी के आज जो कुछ मुझे सुबह से सुनने को मिला उसके लिए बहुत बहुत।